बट इन सिंपल टर्म्स पावर क्वेरी इज अ डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रिपरेशन टूल, ठीक या है। डेटा क्लीनिंग, क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, हाँ, या एंड उसके भाई कई सारे मेथड्स हमने देखे हैं, लाइक इट कैन टेक डेटा फ्रॉम अ सिंगल फाइल, इट कैन कंबाइन मल्टीपल फाइल्स ऑफ सिमिलर नेचर, इट कैन डिलीट अनवांटेड रोज और कॉलम्स इजीली। सो बेसिकली व्हाट एवर डेटा यू आर हैविंग, इफ इट इज नॉट इन अ टेबुलर शेप, इट कैन ट्रांसफॉर्म दैट डेटा इन टू दैट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स, बिकॉज टेबल्स आर लाइक्ड बाई एनी टूल। फॉर ह्यूमन्स इट मे नॉट बी लाइक वेरी कंफर्टेबल टू लुक एट टेबल्स, बट फॉर मशीन्स, फॉर पिवट टेबल्स, फॉर पावर बी आई, फॉर पावर पिवट्स, सबको सिंपल वर्टिकल टेबल चाहिए होता है, ठीक है। सो पिवट कम्स आफ्टर दिस स्टेज। बट मैं आपसे एक चीज पूछ रहा था। आई डिड ऑल द एक्सरसाइजेस विच यू टॉट। मेरे किसी भी पावर क्वेरी के अंदर ऑन द टॉप ना वो 1 2 3 जहाँ पे टेक्स्ट आता है और न्यूमेरिक आता है वो आता हूँ किसी भी तो फील्ड मे बी हिस्ट्री। योर एक्सेल वर्जन वॉज लिटिल बिट ओल्डर, वरना आ जाता है वो नए वर्जन में आता है। मेरे में भी पहले नहीं आता था, नए वर्जन में आता है। 16 है, 2016 है सर। 16 में भी सर 3 साल हो गए हैं, उसने बाद में ऐड किया था वो। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, सो इफ यू गो, अपन को आपके पावर, पास है क्या, आपके पास है क्या पायरेटेड वर्जन हो तो दे दो, मैं लोड कर लेंगे। अच्छा नहीं मेरा Office 365 है तो इट्स ऑनलाइन, उसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा चलो ठीक है, थैंक्स। तो कमलेश वन सेकेंड, नाउ फॉर अस टू गो फॉरवर्ड फॉर टू पावर पिवट एंड देन नेक्स्ट स्टेजेस, डू वी नीड टू हैव अ नेसेसरी टू डू एवरी टाइम स्टेज वन ऑफ पावर क्वेरी और नॉट? नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर होगा तो इट विल बी मच बेटर, इट विल हेल्प। इट विल हेल्प लॉट। इसीलिए मैंने वो पहले किया, पावर पिवट बाद में किया। ठीक है, पावर पिवट केम इनटू पिक्चर ऑफ एक्सेल इन 2010। 2010 में इंट्रोड्यूस किया था पावर पिवट, तब तक पावर क्वेरी नहीं था। ठीक है, सो वी यूज टू कनेक्ट टू ऑल दिस फाइल्स डायरेक्टली, आज देखेंगे अपन। बट लेटर ऑन आई रियलाइज जैसे ही पावर क्वेरी आया तो आपका 50-60% जो टाइम जाता है ना वो डेटा प्रिपरेशन में जाता है, तो वो एक बार करके सेट हो जाता है, फिर रिफ्रेश ही करना होता है। सो हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, आफ्टर कंप्लीटिंग एनी एक्सरसाइज वी वर सेइंग क्लिक एंड लोड, करेक्ट? सो क्लिक एंड लोड वाज ट्रांसफरिंग द क्लीन डेटा टू अ न्यू शीट। अब हम क्या करेंगे, वहां पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, क्लिक ऑन लोड टू में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो पावर पिवट को भी भेज सकता है वो डेटा, सो वी विल यूज दैट टुडे। ठीक है, ओके, तो व्हाट एवर वी प्रिपेयर्ड लास्ट टाइम, ओके, सो आज हम कुछ और डेटा प्रिपेयर करेंगे। मतलब क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी डर्टीनेस नहीं है आज, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं उस प्रोसेस को, तो मैंने सिंपल फाइल्स रखी हैं आज, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस वी विल फोकस मोर। नाउ नाउ कमिंग टू पिवट टेबल, पिवट टेबल्स आपने देखी हैं, करेक्ट? बोथ ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद पिवट, राइट? यस, कंफर्टेबल, मोर या देन पिवट टेबल कंफर्टेबल। इज फाइन। हाँ, सो पिवट टेबल्स में इश्यू क्या होता है, जैसे ये पिवट टेबल है एंड लेट्स से ये फाइल मैं ओपन करता हूँ, ये फोल्डर आपके पुरानी फाइल्स में है बट वी डोंट नीड इट, ओके, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पे क्या किया, हमको ये पूरा डेटा एक जगह लाना पड़ता है बिफोर क्रिएटिंग द पिवट टेबल, करेक्ट? एंड इन दिस प्रोसेस हमें बहुत सारे वी लुकअप वगैरह करने पड़ते हैं एंड और फाइल बिकम्स वाइड एंड वाइडर, ओके, एंड दैट इंक्रीजेस द फाइल साइज एंड रोज, नंबर ऑफ रोज तो जो हैं वो होते ही हैं, एंड पिवट को हैंडल करना धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे डेटा बड़ा होता है, और अगर नहीं भी बड़ा होता है तो हमें उससे पहले बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है विच इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू यूज पावर पिवट्स। सेकेंड थिंग इज पिवट, अगर आपको शीट का डेटा ऐसे मिलता है पिवट में, तो मैक्सिमम यू कैन अलाउ इज 1 मिलियन रोज एज पर एक्सेल्स लिमिट। सो और 1 मिलियन पहुंचते पहुंचते तो ये एक्सेल खुलना ही बंद हो जाती है, 5-6 लाख में ही वो थोड़ा प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो अगर इससे ज्यादा बड़ा डेटा है, जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है इजीली, तो इस मेथड से नहीं हो सकता है। पावर पिवट में वो कैपेबिलिटीज हैं कि इट कैन होल्ड मोर देन 1 मिलियन डेटा, एंड यहाँ पे जो वी लुकअप करना पड़ता है हमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर मास्टर से और सेल्समैन मास्टर से और प्रोडक्ट मास्टर से, वो भी नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप काइंड ऑफ कैपेबिलिटी है जैसे एक्सेस में होती है, एसक्यूएल में होती है। सो
इसीलिए वो पावर ऐड किया है पिवट के आगे, कि पिवट का काम तो करेगा ही बट उसमें कुछ पावरफुल थिंग्स और ऐड हो जाती हैं, ठीक है? ओके हामी चीफ, राइट राइट गो अहेड, यस यस गो अहेड सर, गो अहेड, ठीक है, आई विल क्लोज दिस एंड लेट मी स्टार्ट हियर. सो आई विल टेक यू थ्रू द डेटा फर्स्ट. हमारे पास जो मॉडल बनाएंगे उसके लिए क्या क्या डेटा है. हमारे पास ये फाइल्स हैं 34 सेल्स 2017 2018, ये आपके पास भी है. ये 17 18 नहीं है, एक्चुअली 18 19 है, मैंने कल चेंज किया डेट इसका सो दैट हमें थोड़ा रिसेंसी लगे डेटा के साथ, ठीक है? सो इट इज हैविंग सम डेटा विच इज ऑफ सेल्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, हमारा रूट, क्योंकि ये वाटर कंपनी था, जगह जगह बेचता है तो रूट्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. देन उन रूट्स में कुछ कस्टमर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को ये सेल करता है और कितना बेचा, ये डेटा हो गया सिंपल. कोई डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, ठीक है? और ये दो साल का डेटा है 17 एंड 18, 18 एंड 19, ओके? एक फाइल ये है. दूसरी फाइल है ये 2020 की, ये 34 सेल्स 2019 को 2020 रीड करना, वो मैं फाइल का नाम चेंज करना भूल गया बट इट डजंट मैटर एक्चुअली क्योंकि डेट अंदर है. यहाँ पे करंट ईयर है, सेम कॉन्सेप्ट. सो पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि हमें ये दोनों मिल मतलब ज्वाइन करनी है, अपेंड करना, ठीक है? तो पावर क्वेरी की मदद लेंगे. नेक्स्ट इज, अब इन कंपोनेंट्स के साथ तो हम रिपोर्ट्स बना नहीं सकते, नोबडी विल अंडरस्टैंड. हमें डिस्क्रिप्टिव चीजें चाहिए, सो देन दिस मास्टर विल हेल्प. दैट मास्टर इज हैविंग कस्टमर कोड से ये चीजें मिल जाएंगी, ओके? प्रोडक्ट कोड से वी विल गेट टू नो विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और डिफरेंट अदर इंफॉर्मेशन, प्राइस एंड कॉस्ट एंड मार्जिन. रूट कोड से वी विल गेट टू नो आवर सेल्स टीम एंड देयर लोकेशंस ऑफ वर्किंग, प्लेस ऑफ वर्क, सिटी. एंड सिटी से हमें मैनेजर, रीजनल मैनेजर, कंट्री, उस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ओके? सो मेन फाइल इज दिस सिंगल फाइल, दीज टू फाइल्स. इनको जनरली बोलते हैं फैक्ट्स, कि फैक्ट्स ट्रांजेक्शन्स इनमें हैं, लेकिन टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस वी नीड लिटिल बिट ऑफ मोर टेक्स्ट, देयर नेम्स एंड ऑल एनी सम अदर रिलेटेड थिंग्स. सो उसके लिए हमें मास्टर की भी जरूरत पड़ेगी. सर वो एक फाइल खोलेंगे सेल्स 2020 का, सेल्स 2020, हां खोलेंगे या? अच्छा, ओके ओके. सो अभी के व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज दैट ये स्पेसिफिक इनवॉइसेस हैं, तो बाकी जो मास्टर्स में सारा डेटा दे रखा है, प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट, प्रोडक्ट टेरिटरी, रीजन, मैनेजर, सारी चीजें हैं, तो वो सारे इनवॉइस के हिसाब से. हां, ओके ओके. एंड इफ वी वर गोइंग थ्रू आवर नॉर्मल पिवट, ठीक है, वो पहले ही वीलुकअप करनी पड़ती है यहाँ पे सारी की सारी चीजें. सही है, सही है. एंड थिंक ऑफ इट एज लाइक कम से कम वो 10-15 इंफॉर्मेशन है सब मिला करके. अब ये डेटा है रफली, If we scroll down 50,000, और पिछले वाले में 79,000 थे, तो 125,000 lines होगी. 125,000 multiplied by 15 columns, तो कितनी cells generate होंगी, and that too with formulas. So look at the load, कितना पड़ेगा model पे. सही है, बिल्कुल सही. Power Query के through सारी data mix होके report बना के दे देगा आपको. हाँ. And फिर एक और चीज है कि invoice date थी, invoice date अकेले से काम नहीं चलेगा, तो हमारे पास ये time master भी है. इनवॉइस डेट से वी विल डेराइव मेनी अदर इंफॉर्मेशन. तो ये एक डेट है, तो हमारे पास उसका न्यूमेरिक मंथ है, टेक्स्ट मंथ है, मंथ एंड ईयर है, वीक डे है, कौन सा डे था, वो सब डेराइव इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास, सो दैट वी कैन यूज ऑल ऑफ देम टूगेदर. ओके ओके, जस्ट डिफरेंट एक्सट्रेक्शन ऑफ आवर डेट, जो कि आप फॉर्मूले जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो फॉर्मूले मैंने इन फाइल्स में डाले हुए हैं. लेट्स से मेरा कल को 2021 ऐड होता है, ठीक है? सो दिस डेटा इज रफली हैविंग फ्रॉम 2011 टू 2020. तो मेरे को 2021 ऐड करना है, तो आई विल सॉर्ट इट फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूवेस्ट. एंड इफ आई गो डाउन, ये टेबल है, आई जस्ट नीड टू ड्रैग इट डाउन एंड इट विल ऑटोमेटिकली डू द डेटा फॉर न्यू डेट्स. ओके, सो दिस डेटा इज, this data is how, in the form of a table. How is taking the rest of the data? ये सारे columns में formulas लगे हुए हैं.
ओके एंड ये टेबल है, तो टेबल में जैसे भी कोई रो ऐड होती है तो सारे फॉर्मूलाज वापस रिप्लिकेट होते हैं. ओके ओके आई एवरी सेल इज ओके ओके सो आई विल डिलीट दिस फॉर नाउ क्योंकि 2020 तक ही चाहिएगा. एंड एक्चुअली पुराना डेटा नहीं चाहिएगा पुराने ईयर्स, बट वी विल यूज पावर क्वेरी टू फिल्टर दैट आउट, नहीं चाहिए. ओके ये हो गया. फिर ये सब तो सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, एक मॉडल बन जाएगा चार पांच टेबल का. फिर मैंने आपका एंगल सोचा कि मान लो लेट से मैं फाइनेंस का बना रहा हूँ, तो मेरे पास एक पीएनएल भी हो सकती है, एक मेरे पास सप्लायर हो सकता है, एक मेरे पास रिसीवेबल हो सकता है. तो इन सब में कस्टमर था मेरे पास. सो व्हाट आई डिड, आई हैव दिस 38 रिसीवेबल्स जिसमें मेरे पास कस्टमर कोड है एंड आई एम हैविंग देयर नेम एंड उनका ड्यू डेट क्या है और अमाउंट कितना पेंडिंग है. तो रिसीवेबल्स की एक सिंपल फाइल बनाई है मैंने, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाई. तो ये भी मेरे को मर्ज करनी है उसी मॉडल में कि मेरे पास अगर किसी कस्टमर की सेल्स देख रहा हूं तो उसका पेंडिंग अमाउंट भी दिखे मुझे साथ में. आई वांट टू मेक इट समथिंग लाइक दैट. डेटा कुछ भी हो सकता है आपको. इस पे तो शर्मा जी का मेन इफेक्ट है, पैसा कहां से आएगा. पहला वही इफेक्ट है, पहले सेल्स वाला, फिर पैसा बनता है ना उसके बाद बनता है. ठीक है, तो इसको आप कुछ भी समझ सकते हो, बस एक डिफरेंट मतलब टाइप ऑफ डेटा हो गया, बट इसको हम उसमें कैसे मर्ज करें तो वो देखेंगे फिर. एंड आपके पास सेल्स थी, नाउ हमारे पास बजट भी है उनका. ठीक है, तो ये बजट की फाइल है. यहाँ पे बजट में इनवॉइस वाइज बजट तो नहीं होता है, तो मंथली होता है, रूट का हो सकता है, कस्टमर का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है. एनलार्ज करवा सर. या सो बजट में मंथली लेवल पे एंड इन दी इन तीन इंफॉर्मेशन के साथ वी हैव दी बजट ऑल्सो. सो वी नीड टू ब्रिंग दिस डेटा ऑल्सो टू कंपेयर इट विद आवर एक्चुअल सेल्स. ओके, एंड ग्रेन्युलरिटी में देखिए यहाँ पे हम मंथ लेवल पे हैं और हमारे एक्चुअल डेटा में हम इनवॉइस लेवल पे हैं और डे वाइज सेल्स हैं. ठीक है, तो जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे एक्चुअल वर्सेस बजट की, वो सब मंथ लेवल पे बन सकती है, उससे नीचे का कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा डिटेल्स का, उस पर बनेंगे रिपोर्ट्स. सो दिस इज आवर टारगेट. इन सबको पहले तो एक मॉडल बनाना है मिक्स करके, एंड देन वी विल सी कैलकुलेशंस कैसे करती हैं, और फिर पिवट की अंडरस्टैंडिंग जो आपकी पहले की है, वी विल यूज दैट आल्सो टू क्रिएट सम रिपोर्ट्स. ओके, सो आई विल क्लोज दिस एवरी सिंगल फाइल एंड नाउ आई विल कम आउट ऑफ दिस डेटा एंड एज यूजुअल एक नई फाइल पे काम करो, क्योंकि पावर क्वेरी वगैरह इन्वॉल्व है और वैसे भी डिफरेंट फाइल्स हैं तो किसी एक पे कर नहीं सकते, नया फाइल लो हमेशा. ठीक है, सो दिस फाइल पावर क्वान 2020 पिवट मेजर्स ई, इसको ओपन करिए एंड इसमें लिखा हुआ है क्या करना है आपको. ठीक है, पहले हमको 00 फोल्डर से डेटा लेना है, फिर ये 18 और 19 की सेल्स ऐड करनी है आपस में. थोड़ा एनलार्ज करो सर. ओके, हाँ ये नाउ इज बेटर. हाँ, तो पहले सेल्स डेटा लेना है, एक्चुअल सेल्स वो आपस में मर्ज करने हैं. करेक्ट, फिर हमको मास्टर्स लेना है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस, फिर उनके कॉमन एलिमेंट वगैरह रिलेशनशिप करेंगे, फिर हम डेट मास्टर भी लेंगे ताकि इनवॉइस डेट से लिंक कर सकें बाकी चीजों के लिए. ठीक है, ये सब अपना पावर क्वेरी का काम है, बट डेटा हम जो लोड करेंगे आफ्टर दैट, दैट विल गो टू पावर पिवट. सो पहले ये इस पर फोकस करते हैं. ओके, सो दिस इज द प्लेस वेयर पावर पिवट इज देयर. अगर ये नहीं है तो ऑल यू नीड टू डू इज गो टू फाइल एंड हियर ऑप्शंस, देन एडिंस. एडिंस में दिस ड्रॉप डाउन यू नीड टू सेलेक्ट कॉम एडिंस एंड व्हेन यू गो, अगर पावर पिवट आपके लाइसेंस के हिसाब से है अलाउड तो उसका ऑप्शन यहां पे होगा यू नीड टू टिक इट ऑफ. ओके, आवर क्वेरी आल्सो विल बी समथिंग लाइक दैट. आवर क्वेरी विल नॉट बी देयर, इट इज अ न्यू एक्सेल वर्जन 16 एंड 19. वो डेटा टैब, आई हैव न्यू डेटा टैब में होती है 16 और 19 में.
अगर 2013 वर्जन ऑफ एक्सेल है तो वो एक एक्सेल एडिन इंस्टॉल करना पड़ता है एंड देन इसी तरह से एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको भी. सो इफ आई सी डेटा टैब ऑफ माय कंप्यूटर, हाँ उसमें है गेट डेटा ये सब. हाँ तो वो 16 और 19 में वो इनबिल्ट है. ओके तो ये हो गया पावर पिवट कैसे लाना है. एंड आई होप दोनों आपके दोनों के पास है पावर पिवट, राइट? या ठीक है. सो नाउ पावर पिवट को भूल जाते हैं फॉर नाउ. यहां पे देखिए डेटा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए गेट डेटा. ओके फ्रॉम अ एक्सेल फाइल. ये सब अपन ने किया हुआ पहले. तो मैं थोड़ा सा स्पीडली करूंगा, रिकॉर्डिंग तो वैसे भी रहेगी अपने पास. करो सर. एंड फोल्डर इज डेस्कटॉप ट्रेनिंग मटेरियल फोल्डर 70 00 के अंदर है डेटा एंड आई एम फर्स्ट फोकसिंग ऑन माय ओल्डर इयर्स. इंपोर्ट एंड बिकॉज द डेटा वाज ऑलरेडी टेबुलर तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें बस इसको पावर पिवट में भेजना है उतना देखना. दिस इज माय शीट एंड आई विल आई नो दैट डेटा इज क्लीन बट स्टिल ट्रांसफॉर्म में जाइए. ये पार्ट मैं अनफॉर्चुनेटली लाइक जूम नहीं कर सकता बट वीडियो में कर दूंगा मैं एडिटिंग करते वक्त. ओके सो ट्रांसफॉर्म एंड वो दे दिया इसने. नाउ इफ यू थिंक योर डेटा इज ऑलरेडी क्लीन, बस इतना चेक करो कि उसकी डेटा टाइप्स करेक्ट हो. जैसे कि इनवॉइस नंबर अल्फा न्यूमेरिक है तो ये एबीसी ही होगा. इनवॉइस डेट डेट वाइज ही है. यहाँ पे ये रूट वगैरह ये सब कोड्स हैं बट वी लर्न लास्ट टाइम की कोड्स हैं तो मेक देम टेक्स्ट. डेटा टाइप में गया आफ्टर सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स एंड टेक्स्ट एंड देन क्वांटिटी इज न्यूमेरिक. बट इफ यू थिंक दैट योर डेटा व्हाई डिड यू मेक इट टेक्स्ट बिकॉज वी डोंट इंटेंड टू एड देम अमंग ईच अदर, राइट? ये 1171 है, 1503 को ऐड आपस में नहीं करेंगे ना. ओके एंड सेकंड थिंग इज समटाइम्स कोड में भी 001171 अगर वो नंबर होगा तो वो इनिशियल जीरो हटा देता है. सो देन योर मैचिंग विल क्रिएट. ओके 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 व्हिच आर वी डोंट वांट टू क्लब इनटू न्यूमेरिकल एनालिसिस. यस एंड देन हियर क्वांटिटी इज देयर. इफ यू थिंक दैट योर क्वांटिटी मे हैव डेसिमल्स आल्सो सो चेंज इट टू अ डेसिमल नंबर. ओके एंड रिप्लेस करंट. फाइन बस इतना सा चेक करना है. एंड अगर आपको कुछ फिल्टर करना है कि मेरे को ये पर्टिकुलर कस्टमर और ये रूट नहीं चाहिए तो वो आप यहीं पे कर सकते हो बट अपना वो इंटेंशन है नहीं. वी विल वांट एवरीथिंग एंड हियर नाउ क्लोज एंड लोड. ये देखिए एंड आई विल गो फॉर क्लोज एंड लोड टू क्योंकि अभी मैं शीट में लोड नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा डेटा है और अभी मेरे को पूरा एक और साल ऐड करना है इसमें तो अभी मैं शीट में लोड नहीं करना चाहता. सो व्हाट आई विल डू क्लोज एंड लोड टू एंड दिस इज द ऑप्शन व्हिच वी एक्सरसाइज लास्ट टाइम टेबल. इस डेटा से टेबल पिवट टेबल और पिवट चार्ट भी बना सकते हैं. लेट अस नॉट गो इनटू दैट. लुक एट दिस. ये भी हमने शायद किया था लास्ट टाइम. ओनली क्रिएट कनेक्शंस. ठीक है एंड अगर आप इसको टिक कर दोगे तो इट विल गो टू पावर पिवट डेटा मॉडल. इज दिस सेइंग ऐड ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल. हाँ तो डेटा मॉडल इज काइंड ऑफ लाइक प्लेग्राउंड फॉर पावर पिवट. ठीक है पर मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पहले दोनों साल का कंबाइन करना है, उसके बाद मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा. फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग दिस क्वेरी. सो कनेक्शन को क्लिक करूंगा मैं. Only create connections. Yes. And I will click OK. So that means जो मैंने किया वो सब stored है लेकिन वो load नहीं हुआ कहीं पे. Okay. वो process stored है. ठीक है. And just to differentiate, I will rename this, which I forgot to, अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं. ये मैं इसको 1819 का वो दे देता हूँ कि ये पुराना साल का डेटा है. ओके देन
आई विल कीप सेविंग द फाइल. फाइल कभी भी पावर क्वेरी मोड में सेव नहीं होती है, तो उससे बाहर आकर के उसको सेव करते रहो बीच बीच में. वंस यू फील कि आपका कुछ काम हो गया, बाहर निकलो, सेव करो एंड देन रिस्टार्ट नेक्स्ट वर्क. आई विल अगेन गो देयर फ्रॉम वर्कबुक एंड ये जो शीट है, क्योंकि ये वाली हम ले चुके हैं, ये वाली ले रहा हूं मैं, इम्पोर्ट. सो दिस इज 2020 डेटा. शीट नेम अंदर सेम था इसलिए वो सेल्स डेटा दिखा रहा है, इसलिए इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेंज द नेम ऑफ द क्वेरी. आई विल चेंज इट टू 20. यहां पे भी चेंज कर सकते हैं क्वेरी का नाम. एंड आई विल क्विकली डू दीज चेंजेस जो अपन ने पिछली बार किए थे. दीज आर टेक्स्ट, दिस इज डेसिमल और होल नंबर, वो आप डिसाइड कर लो जो भी सुटेबल है. एंड दैट्स इट. एंड इसको भी मैं कहूंगा कि क्लोज एंड लोड टू एंड ओनली कनेक्शन, क्योंकि मेरे को कंबाइंड डेटा लोड करना है, ना कि ये वाला डेटा. Yeah, later we will, whatever we make all the files at the right hand side, clean file, then we need to merge yes. or something. Now, combine कैसे करना है? I will do it in like 5 minutes. फिर उसके बाद recording दोबारा restart करनी है, क्योंकि वो break हो जाएगी. Okay? So, I will go inside the Power Query again. You can double click on any file, any query. It will take you inside. And यहाँ पे You might see this Power Query as new or merge queries. Okay, ये merging side by side के लिए होता था. हमें ये vertically करनी है, तो वो append होता है. ठीक है? So I will go for append queries as new. So it will create a third query. It will ask you what all you want to append. So 2020 with 1819, and when I click OK, it has created a third one. So third one is a mix of first and two. Yes. One and two. Yes. So here I will call it as sales. That's why you selected append. Yeah, append is for vertical joining. Okay. बाकी कुछ करने. Write all these notes. नहीं ये record हो रहा है ना सर, और क्या. Append is for vertical. ठीक है. Okay, okay. And अगर नाम में जरा सा भी change है तो हमने last time देखा था वो एक नया column generate कर देता है. क्योंकि उसको डेटा लूज करना नहीं आता, वो दोनों के रखेगा. ठीक है. सो इन दिस केस एग्जैक्टली सेम है. सो आई विल गो एंड क्लोज एंड लोड टू, एंड दिस टाइम आई विल से ओनली कनेक्शन, मींस कनेक्शन रहो प्रोसेस समझो. एंड आई विल चेक दिस कि ऐड दिस टू डेटा मॉडल, एंड व्हेन आई क्लिक ओके, आपकी एक्सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई शीट जनरेट नहीं होगी, बट बैकग्राउंड में वो डेटा लोड हो जाएगा. एंड यू कैन सी हियर 130,000 लाइंस हैव बीन एडेड. 79.8. सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन दिस, हाउ इट केम इन द बैकग्राउंड? वो मैं बताऊंगा अभी हमने आगे कुछ नहीं किया, हमने बस उसको टिक किया था एड टू डेटा मॉडल. एड टू डेटा मॉडल, ओके. तो वो एक्सेल में लोड नहीं करता है, क्योंकि हमें फाइल की साइज नहीं बढ़ानी, वो बैकग्राउंड में रखना है. बैकग्राउंड से जब जरूरत होगी पिवट पुल कर लेगा. And we will see that background in Power Pivots. जब इसके अंदर जाएंगे, add-in के अंदर, we will see that also. So अभी तक जो process किया, that was all Power Query. इसमें बस हमने add to data model add किया है, correct? All right. Yeah. So I will just save it and restart with the new Zoom link. फिर आगे का process वहाँ से करते हैं. So if I select my Power Pivot tab. यहाँ पे ये मैनेज करके होता है, मैनेज होगा या डेटा मॉडल होगा, डिफरेंट वर्जन में हो सकता है, बट आइकन सिमिलर सा है उसका. ठीक है. व्हेन आई डबल क्लिक इट, सो ये एक अलग वर्चुअल विंडो खुलता है, एंड यू कैन सी अपना सेल्स डेटा यहाँ पे रखा हुआ पूरा. सो व्हेन यू डबल क्लिक मैनेज, सो व्हाटएवर डेटा यू हैव सेव्ड फ्रॉम पावर क्वेरी, इट विल कम आउट ऑटोमेटिकली हियर. हाँ, सो इट व्हेन यू डबल क्लिक इट, इट गोज टू योर डेटा मॉडल. एक वर्चुअल विंडो खुलती है, जैसे एक्सेल अलग है, देखो ये विंडो अलग है उसकी. ठीक है, इसी एक्सेल का है वो मॉडल, बट एक डिफरेंट विंडो में खुलता है, जैसे पावर क्वेरी एक डिफरेंट विंडो में खुलता है ना, ऐसे. ठीक है, तो सारे कॉलम्स जो हमने बनाए थे वो सब हैं इसमें, एंड डेट्स अपनी देखेंगे सारी की सारी हैं, 17 से लेके 19 जो भी थी वो.
ओके तो यहाँ पे जाता है वो डेटा। अब अगली जो फाइल आएगी वो नेक्स्ट टैब में आ जाएगी, इस तरह से सारी शीट्स की तरह यहाँ पे आ जाता है। तो इट्स लाइक एक्सेल बट ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आप कुछ एडिट वेडिट कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बस बहुत ही लीन फॉर्म में रखा होता है डेटा, सो दैट इट कैन लाइक अकोमोडेट मोर डेटा, एंड दैट इज वाई यहाँ पे मिलियंस की लिमिटेशन नहीं है। इट कैन गो टू 5-6 मिलियन, मैंने एक्सेल में ट्राई किया हुआ है, हो जाता है। थ्योरेटिकल लिमिट इज 2 बिलियन रोज, उतना जरूरत पड़ेगा नहीं अपन को तो, एटलीस्ट वी आर नॉट गूगल, ठीक है। सो नाउ लेट अस ब्रिंग सम अदर इंफॉर्मेशन। सो आई विल गो टू, आई कैन मिनिमाइज दिस और क्लोज दिस, इट डजेंट मैटर क्योंकि मेरा प्रोसेस तो पावर क्वेरी वाला है ना दूसरा भी। सो आई विल गो टू डेटा टैब। अभी मेरे को क्या लाना है यहाँ से, मेरा सेल्स आ गया है, लेट मी ब्रिंग माई, लेट से बजट ले आता हूँ, ओके okay? और लेट मास्टर्स लाते हैं पहले, पहले सिर्फ एक्चुअल्स को हैंडल करता हूँ, बजट बाद में ऐड करता हूँ। हाँ तीनों साल के आगे, हाँ मास्टर्स लेते हैं पहले। सो आई विल गो बैक टू माई एक्सेल फाइल, ये वाला जिसमें अपन काम कर रहे थे, ये तीनों क्वेरीज उसके अंदर हैं। गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक एंड मास्टर्स एंड इम्पोर्ट। मास्टर्स मेरे को चारों चाहिए क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, सो आई कैन यूज दिस टिक मार्क एंड इट विल अलाउ मी टू मल्टीपल आइटम्स, ट्रांसफॉर्म डेटा और एडिट डेटा। तो ये अभी क्वेरी के अंदर है, हमें सारी क्वेरीज को वेरीफाई करना है कि ये सब सही है, लोड करने के लिए वो सब देखना है। सो फर्स्ट कॉलम देखिए, कस्टमर को देख रहे हैं पहले, ये दिस शुड बी टेक्स्ट, ठीक है। बाकी नेम्स वगैरह ठीक है, नाम चेंज करने तो कर सकते हो बट आपकी मर्जी है वो। फिर मैनेजर्स को देखते हैं, मैनेजर्स में एक इश्यू है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की हेडर्स होनी चाहिए, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, यहाँ पे है। बाकी कॉलम टाइप्स इज ऑल फाइन। देन प्रोडक्ट्स में देखते हैं, दिस शुड बी अ टेक्स्ट, ये नंबर ठीक है एंड ये दीज आर ऑल फाइन। मार्जिन परसेंटेज में रख सकते हो, आपकी मर्जी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी क्योंकि वो फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट है सिंपल, तो बाद में भी चेंज कर सकते। या इन केस फॉर एग्जांपल सम टाइम यू फॉरगेट टू कन्वर्ट सम डेटा इनटू टेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज कम बैक, जैसे अभी देन व्हाट विल हैपन इन द एंड एनालिसिस, व्हाट विल द इंपैक्ट। सी कुछ जैसे अगर आप मान लो कुछ जॉइंस वगैरह कर रहे हो, उधर 00 के साथ है कोई नंबर और इधर नहीं है, तो वो मैच नहीं हो पाएगा, दोज विल बी द इश्यूज। कभी आप क्या करोगे, पिवट में मान लो वो आपने फील्ड ड्रैग किया, सो इट विल गो टू वैल्यूज क्योंकि उसको न्यूमेरिक कॉलम लगता है जबकि वो न्यूमेरिक कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं उसका। सो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो मैनेजेबल नहीं है, बट थोड़ा काम बढ़ सकता है और कुछ चीज़ें शायद ना हो पाए ढंग से। तो ये सब नंबर्स हैं और टेक्स्ट हैं और डेट्स, मेनली ये तीन कैटेगरीज का ध्यान रखना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी उनके सब कैटेगरीज हैं वो मैनेज हो सकती हैं धीरे धीरे। सो लास्ट वाली देखते हैं, सेल्स रैप। सेल्स रैप में रूट्स एंड सेल्समैन कोड को वी कैन मेक इट टेक्स्ट। अब एक चीज देखिए आप, सेल्स डेटा में हमारे पास क्या था, रूट था, और यहाँ पे रूट है, सेल्समैन कोड है, सेल्स है, सिटी है, सो सब कुछ हो गया है, सब कवर्ड है, ठीक है। अभी हमने चार क्वेरीज को वेरीफाई किया, एडिट किया, कुछ जो जो चेंजेस थे, नाउ वी नीड टू मेक अ डिसीजन वेयर टू लोड देम, ठीक है। सो क्लिक क्लोज एंड लोड टू एंड ओनली क्रिएट कनेक्शंस। इन चारों को आपस में कंबाइन करने का कुछ प्रोसेस है नहीं क्योंकि सब डिफरेंट डेटा है, सो वी विल से ऐड देम टू डेटा मॉडल, ओके। व्हेन आई क्लिक ओके, ये चारों
टैब्स भी अपने पावर पिवट मॉडल में ऐड हो जाएंगे. यू कैन सी सेल्स डेटा था, ये चार और ऐड हो गए. दिस इज मैनेजर्स, प्रोडक्ट्स, सेल्स रैप एंड इसमें दो सेक्शन होते हैं पावर पिवट में. ऊपर होता है डेटा का सेक्शन और नीचे होता है खाली. यहाँ पे अपन फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, विल कम टू दैट थोड़ा बाद में. ये दो सेक्शन का डिफरेंस होता है. ठीक है, आई विल सेव इट. क्योंकि हैबिट ही बना लो सेव करने की, कुछ भी हो सकता है, एक्सेल आफ्टर ऑल. तो ये सब हो गया. इसमें देखिए ये दोनों तो इसका पार्ट था तो वो लोडेड नहीं है एंड ये सारी लोडेड है डायरेक्टली. तो हमारे पास पांच क्वेरीज लोड हुई हैं जो कि वहां पे पावर पिवट में मिल जाएंगी. नाउ इफ आई गो बैक टू पावर पिवट एंड अगेन गो फॉर मैनेज. अब ये जो व्यू है दिस इज नोन एज टेबुलर व्यू, डेटा व्यू. ओके, नाउ लेट मी शो यू अ डायग्राम व्यू ऑफ दिस. सो हियर डेटा व्यू इज करेंटली इनेबल्ड. आई विल गो टू डायग्राम व्यू. सो ये अपने पास चार क्वेरीज थी. सो डायग्राम व्यू में वो अपने मेजर ओवरव्यू दिखाता है कि आपके पास डेटा में क्या क्या कॉलम्स है, किस टेबल में क्या कॉलम्स है. फाइन, राइट. सो ये अपनी सेंट्रल टेबल है. सॉरी ये नहीं, कौन सी है वो, सेल्स डेटा इज सेंट्रल टेबल जो मेजर है. दे आर ऑल काइंड ऑफ लुकअप टेबल्स और मास्टर्स, जो भी नाम आपको बोलना चाहें. अब इसमें एक और चीज की कमी है. चलो पहले इनको कनेक्ट करते हैं. ये रूट है. रूट हमारे पास किस जगह है? रूट इज देयर इन सेल्स रैप. सो आई विल टेक दिस फील्ड फ्रॉम दिस साइड एंड ड्रॉप इट ऑन द अदर टेबल वेयर रूट इज देयर. What did you select now to make this linking by line? Okay, pehle just nothing. You're dragging. I'm just dragging. Usse pehle ek aur cheez dikhata hu main before we go there. Okay. Yahan pe ye sare data jo hai na, iska pivot banaya ja sakta hai. Sare paancho mein se kisi ko bhi use kar sakte hain. To yahan pe pivot ka option hai. So data model se hi data le lega wo, usko sheet mein hone ki zarurat nahi hai. Theek hai? So when I click on pivot, ये कहेगा कहाँ बनाना है. सो दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जैसा नॉर्मल पिवट में होता है. आई विल गो फॉर न्यू वर्कशीट एंड ये पिवट आ गया है एंड यू कैन सी इस पिवट में अनलाइक नॉर्मल पिवट मेरे पास पांचों टेबल्स हैं. नॉर्मल पिवट में एक ही टेबल होती है, उसके सारे फील्ड्स होते हैं ना. यहाँ पे पांचों टेबल्स हैं, उसके सारे फील्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं टू ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, पांचों शीट्स, फाइव टेबल्स, उनके सारे कॉलम्स हैं. ओके, बाकी ये स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो पिवट का. सो यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन यूज लाइक अ नॉर्मल पिवट, यू कैन प्ले अराउंड. हाँ, सो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ कंट्री वाइज सेल्स. सो कंट्री गोज टू इनटू रोज. ठीक है, एंड देन सेल्स किस में था? मेरा सेल्स डेटा में था. सो आई विल गो फॉर क्वांटिटी हियर. ठीक है, यस, स्लाइसर वगैरह सब यूज कर सकते हो, किसी को भी राइट क्लिक करके स्लाइसर, टाइमलाइन सब कुछ. ठीक है, लेकिन लुक एट दिस, सारी कंट्रीज की सेल्स सेम है. ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल से आ रही हैं. ठीक है, नाउ आई विल गो बैक अगेन to power pivot, to diagram view. हमने लिया quantity यहां से और country लिया यहां से कहीं से. ये quantity को पता नहीं है country कौन है, that's why वो सबको same respect दे रहा है. वो total quantity दिखा रहा है सबके लिए. So अब अपन link करते हैं पहले. So ये link किया मैंने, root को link किया मैंने इस root से. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, एक को लेकर के दूसरे पे ड्रॉप कर देना है एंड यू कैन ड्रैग फ्रॉम एनी साइड. ओके, अभी भी मेरा कंट्री से लिंक तो नहीं हुआ है. ठीक है,
सो कंट्री का लिंक सिटी से सिटी को लिंक करूँगा तब हो जाएगा, तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ सो दैट थोड़ा रिलेटेबल रहे। सिटी को मैं लिंक कर देता हूँ सिटी से, डन। नाउ आई विल गो बैक एंड चेक माई पिवट, यू सी नंबर्स हैव चेंज्ड। तो अपन जो वी लुकअप के थ्रू कर रहे थे, हमने यहाँ पे बस दो कनेक्शन किए, वो सारे फील्ड्स अपने को अवेलेबल है। सो रफली हाउ मेनी वी लुकअप्स वी अवॉइडेड, तीन यहाँ पे हैं, तीन यहाँ पे हैं, सिक्स वी लुकअप्स एटलीस्ट हमने अवॉइड कर लिए। एंड नॉट ओनली सिक्स वी लुकअप्स, 130,000 इंटू सिक्स उतनी नंबर ऑफ सेल्स वी हैव अवॉइडेड। Now I will go for other connections. Customer code goes to customer code and product code is my product. ठीक है, तो लिंक हो गया है। एंड आफ्टर ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, हो सकता है किसी और पे वो ड्रॉप हो जाए। सो ऑलवेज होवर द लाइन एंड इट विल शो यू वॉट इज कनेक्टेड, हाईलाइट करके यहाँ पे प्रोडक्ट इज कनेक्टेड टू प्रोडक्ट कोड एंड यहाँ पे रूट इज कनेक्टेड टू रूट, यहाँ पे सिटी इज कनेक्टेड टू सिटी। बाय मिस्टेक इफ समथिंग गोज रॉन्ग, जैसे आप बोल रहे हो कि रूट इज कनेक्टेड टू रूट, तो मतलब उस टेबल से कनेक्टेड है ना, ना कि वो रूट पर्टिकुलर जहां नहीं, पे वो नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है ना। थिंक ऑफ वी लुकअप, टेबल से कनेक्टेड है लेकिन बेसिस क्या है कनेक्शन की? नहीं, वो तो समझ को बैकग्राउंड सेल्स डेटा से सेल्स रेप पे आप रूट रहे, राइट? हाँ, यहाँ पे थर्ड नंबर पे योर वॉइस, आपका आवाज कट गया था। कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई एम सेइंग यहाँ पे सेल्स डेटा में रूट नंबर 3 पे है, ठीक है, और सेल्स रेप पे नंबर 1 पे है। व्हेन यू आर कनेक्टिंग इट, तो इस टेबल से उस टेबल पे कनेक्ट होना चाहिए ना कि वो मतलब ये एरो शुड बी गोइंग ऑन द फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए क्या? नहीं नहीं सो कनेक्शन टेबल के बीच में होता है लेकिन बेसिस उसकी कोई फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स। हाँ नहीं, हाँ, सो वो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि रूट का जो लिंकेज है, तो यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द रूट, यस, वहां पे ड्रॉप करना पड़ेगा। यस यस, वो रूट फील्ड पे ड्रॉप करना पड़ेगा, नॉट टेबल पे। हाँ, ओके, हाँ, दिस इज व्हाट, क्योंकि ही डजंट अंडरस्टैंड नेम्स, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है अपना, बट उनके अंदर का जो एलिमेंट है इन्फॉर्मेशन वो सेम है। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड ये है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में वो उसका नाम प्रोडक्ट है। हाँ, ऑन द एग्जैक्ट फील्ड। तो जैसे वी लुकअप में हम बताते हैं ना कि ये इससे मैच करना है, इस कॉलम से। हाँ, उस पर्टिकुलर से लोकेट करना। आई थिंक द बेस्ट वे इज टू बी मोर प्रैक्टिकल इज गो बैक देयर इन द बिगिनिंग एंड कीप द नेम ऑफ द हेडिंग्स सेम। दैट्स द बेस्ट सिनेरियो, बट जनरली नहीं होता है जब सोर्सेस मल्टीपल होते हैं एंड एक सोर्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है तो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो उसको, आप पावर क्वेरी में नेम चेंज कर दो उसके, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम खुद उसको अलग अलग नाम रखना चाहते हैं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट ये कौन सा वाला है, वरना प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम ही लगेगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो मेन थिंग है जो फील्ड आप वी लुकअप के लिए यूज करते हैं वहां पे ड्रॉप करना है। एंड अनदर थिंग इज, डू यू सी दिस वन एंड स्टार, वन एंड स्टार, वन एंड स्टार, ये वन एंड स्टार वो खुद से डिसाइड करता है कि इस साइड मेरी टेबल में रिपीटेशन नहीं हो रहा है एंड सेल्स डेटा, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन है उसमें तो रिपीट होंगी चीज़ें, सेम ही कस्टमर को बार बार बिकेंगी चीज़ें, सेम ही प्रोडक्ट बार बार बिकेगा। ठीक है, सो स्टार मीन्स मैनी एंड वन मीन्स वन, यूनिक। ओके, आई एम सेइंग, आर यू सेइंग दैट फॉर एग्जांपल लेट्स से कस्टमर, I will show you here. Let's say 34 है, 2020 का डेटा देख रहा हूँ मैं, ओके, एंड यहाँ पे मैं एक कस्टमर कोड सेलेक्ट करता हूँ 1171. सो लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स 1171 इज कमिंग, 627 टाइम्स, क्योंकि उनको हर अलग अलग दिन पे किसी अलग अलग सेल्समैन ने बेचा है, तो ये तो ट्रांजेक्शन टेबल है, यहाँ पे तो वो रिपीट होगा। ठीक है, बट मास्टर टेबल में वो रिपीट नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है ना कि
कि उससे रिलेटेड चीजें देखनी है वहां पे. सो इफ आई गो फॉर मास्टर, यहाँ पे 1171 की सिर्फ एक ही लाइन है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वन, कि कस्टमर टेबल में दैट कोड और एनी कोड इज अपियरिंग ओनली वंस, बट इन दिस टेबल इट इज अपियरिंग मेनी टाइम्स. सो दैट्स व्हाई स्टार्स, वो मतलब मल्टीपल लाइंस हैं. ओके, स्टार मींस दिस दिस इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर द मेनी टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, या एंड ऑन द अदर साइड इट इज मींस ओनली वंस, वंस. एंड दैट इज हाउ वी लुकअप ऑल्सो वर्क, क्योंकि वी लुकअप में भी अगर कस्टमर टेबल में वी लुकअप में एक कोड मल्टीपल टाइम्स होगा वो फर्स्ट वाले को हैंडल करता है, बाकी सबको छोड़ देता है. वी लुकअप हमेशा टॉप वैल्यू पे करता है ना, जो उसको पहले मिल जाता है उसी को दिखाएगा वो वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू उसको जाता ही नहीं है देखने. ओके, सो यहाँ पे दे आर लिटिल बिट मोर रेस्ट्रिक्टिव, कि अगर वो मल्टीपल होगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा भाई, क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है ना. वो एम्बिग्यूटी कैसे क्रिएट होगी, लेट मी डिलीट दिस. ओके, मैं डिलीट कर रहा हूँ कनेक्शन, एंड अभी मैं अपना डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूँ. लेट से 1171 वाली लाइन को मैं एक बार और लिख देता हूँ. यहाँ पे एडमिरल प्लाजा की जगह मैं लेट से लिख देता हूँ किशोर एंड अजय. ओके, एंड आई सेव इट. अब वी लुकअप आप जब करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वी लुकअप, कि मैं एडमिरल प्लाजा आंसर दूं कि किशोर एंड अजय आंसर दूं किस कस्टमर नेम के लिए. ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं. यहाँ पे मैं गया अपनी पावर क्वेरी में, पावर क्वेरी इज इन दिस टेबल, इसको मैंने कस्टमर टेबल को रिफ्रेश किया, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश. सो 139 हो जाना चाहिए ये. ओके, 139 हो गया. सो मॉडल में भी चला गया वो 139. नाउ व्हेन आई ट्राई टू लिंक कस्टमर कोड टू दिस कस्टमर कोड, वो एरर दे देता है कि एटलीस्ट वन कॉलम हैज डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब डुप्लीकेशन चल रहा है. एक कॉलम में यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, जो दो आप कनेक्ट कर रहे हो उनमें से एक यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम जब वी लुकअप करेंगे तो हमें खुद को एम्बिग्यूटी है, तो इसको तो है ही, ये आगे बढ़ नहीं सकता उसके लिए. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वन, कि कौन सी साइड यूनिक है कौन सी साइड यूनिक नहीं है. एंड ये हमेशा हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है. सो दिस लाइन आई विल डिलीट, आई विल सेव इट, क्लोज. ये वाला भी मैं क्लोज कर देता हूँ. आई विल रिफ्रेश इट नाउ, दैट मेक्स इट 138 अगेन. Now I will go to the data model, and now when I create the connection, it will allow me. ठीक है, so आपकी master tables में वो element एक बार होना चाहिए, that's it. Transaction tables में we cannot make it unique, क्योंकि वो तो repeat होना चाहिए, otherwise we will lose our sales or something. Can you open master table? Yeah. आप कॉन्सेप्ट समझो, डेटा तो डिफरेंट होगा बट सिमिलरली इसी तरह का होगा ना. सब तो सेम रहेगा ना. भाई देखिए, आप उस तरह से सोचो, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, एक एक टेबल है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, उसमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो तो एक ही बार चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो भी वो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंस है, इनकम है, या एसेट डिप्रिसिएशन है, जो भी है, वो एक ही चीज रिप्रेजेंट करेगा ना. एक अकाउंट दो चीजें रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता. नाउ थिंक ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस मतलब वो दो तीन बार आएगा, हर महीने आएगा, हर मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आएगा, तो वहां पे तो वो रिपीट करेगा सेम अकाउंट. सो ट्रांजेक्शन टेबल इज योर जो ट्रायल बैलेंस वगैरह हो गया, एंड मास्टर टेबल जो चार्ट ऑफ अकाउंट मास्टर है. ठीक है,
उस एंगल से देखिए, ओके ओके। सो द मास्टर डेटा जब बनाएंगे तो हमको वो यूनिक होना चाहिए, अगर उसमें कुछ डुप्लीकेशन है। या वी नीड टू प्लान दैट दिस इज द दीस आर द फील्ड दीस आर द थिंग्स वी वांट टू प्रेजेंट इनटू द रिपोर्ट। यस फाइन। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग कनेक्शंस लुक एट आवर पिवट टेबल। ये हमारी पिवट टेबल के फील्ड्स हैं, सेल्स डेटा बाय कंट्री है। मैं अगला चीज ले लेता हूँ प्रोडक्ट साइड से, लेट्स से सब कैटेगरी कॉलम्स में डाल देता हूँ, सो आई कैन मिक्स एंड मर्ज ऑल ऑफ देम। नाउ कुछ भी बना सकता हूँ, ये सारे फील्ड्स मेरे पास अवेलेबल है। मेरे को क्या चाहिए, सेल्समैन चाहिए कंट्री में, कंट्री वाइज सेल्समैन। अगर ये पावर पिवट नहीं होता, ये रिलेशनशिप्स नहीं होते, तो आई वुड बी रफली कितने भी लुकअप्स करते, दो यहाँ से लेते रफली, पाँच छः यहाँ से लेते आठ, और छः यहाँ से लेते 14। सो 14 वी लुकअप्स मल्टीप्लाइड बाई 130,000, उतना मेरा डेटा एड एडिशनल होता। ठीक है, यहाँ पे पिवट था, इट टेक्स द पिवट टू अ नॉर्मल शीट। स्टार्ट यहाँ से होता है, बट फिर बाद में नॉर्मल पिवट की तरह से होता है वो, फिर इट्स अ नॉर्मल पिवट आफ्टर दैट। ओनली बेनिफिट इज यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, इफ दे आर कनेक्टेड तो वो रिलेटेड। यस 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 हाँ। एंड टू ऐड, वहाँ पे पहुँचने से पहले हमने पावर क्वेरी यूज किया, सो दैट वी कैन मिक्स एंड मर्ज बहुत सारी चीजें, क्लीनिंग की कर सकते हैं। यहाँ पे अपन अगर हमें कंडीशन लगानी हुई, कंडीशन लगानी हुई, कॉम्प्लेक्स लगाने का कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। चलो ठीक है, नाउ या बेसिकली दिस इज पावर पिवट इज नॉर्मल पिवट को मल्टीप्लाई करके उसको। अब देखिए आप, जस्ट लुक एट दिस, हमने ये मेक द मेनी पिवट्स एंड कंबाइन इनटू टू इट इनटू वन, दिस इज कॉल्ड पावर पिवट। करेक्ट, एंड देन यू कैन प्ले अराउंड विद द वेरिएबल्स। लुक एट दिस, हमारे जो ओरिजिनल डेटा था उनकी साइज 4.71 MB थी, और जो फाइल हमने अभी बनाई है, आई होप आई हैव सेव्ड इट, 1.78 MB है। सो लुक एट द रिडक्शन व्हिच इज हैपनिंग, एंड अभी हम इसमें बाकी चीजें भी ऐड करेंगे, फिर कैलकुलेशंस करेंगे। कुछ चीजें जैसे कि आई वांट टू नो व्हिच कंट्री हैज हाउ मेनी सेल्समैन। मेरे पास सेल्समैन नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी सेल्समैन आर देर इन ईच कंट्री। ठीक है, तो वो काउंट करता है पिवट, करेक्ट? आपने कभी यूनिक काउंट नहीं देखा है उसको करते हुए। तो जब आप यहाँ पे जाते हो, लेट से आई ब्रिंग सेल्स रैप, ठीक है, तो ये काउंट करता है नॉर्मली, बट यहाँ पे इफ यू गो डाउन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, यू विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट ऑल्सो पावर पिवट के अंदर, कि कितने कस्टमर्स हैं उस कंट्री में, कितने, मतलब कुछ भी काउंट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन क्या चाहिए। तो आप बाकी चीजें अवेलेबल होती हैं, डिस्टेंस काउंट ये डेटा मॉडल और पिवट टेबल पावर पिवट के अंदर अवेलेबल होता है सिर्फ। दिस इज जस्ट काउंट और डिस्टेंस काउंट। काउंट अगर करोगे तो वो 130,000 दे देगा, डिस्टेंस काउंट करोगे तो वो 6 कंट्रीज देगा। लेट्स से हम कंट्री को काउंट कर रहे हैं, डिस्टेंस काउंट मींस 6, अगर सिर्फ काउंट करोगे तो वो पूरी ट्रांजैक्शन रजिस्टर को काउंट करेगा 130,000। अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, ये कस्टमर है, ओके, सिर्फ सेल्स डेटा के अंदर बात करता हूँ, बाकी सब छोड़ो। आई विल गो टू पिवट, इसको छोड़ो। अगर मैं काउंट लेता हूँ, ये सेल्स डेटा है मेरा, इफ आई टेक काउंट ऑफ कस्टमर कोड, तो कितना 130,000 आ रहा है। बट मैं कहता हूँ कि भाई काउंट कर, लेकिन यूनिकली काउंट कर उसको,
अगर कोई रिपीट हो रहा है तो आई डोंट वांट इट अगेन टू बी काउंटेड. इट्स अ यूनिक रिकॉर्ड फॉर दैट. सो ओनली 138 कस्टमर्स आई हैव. सो इफ समवन आस्क हाउ मेनी कस्टमर यू हैव, यू विल नॉट से 130,000. यू हैव सोल्ड देम टू 130,000 टाइम्स. बट हमारे 138 कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस आर 130,000. करेक्ट. या सो ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं अपने नॉर्मल पिवट में. ये सिर्फ डेटा मॉडल पे डेटा आता है तब जा करके इनेबल होती है चीज, विच मीन्स पावर पिवट के अंदर होती है. ओके हाँ हाँ प्रैक्टिस हो जाएंगे अभी अभी. सो फॉर नाउ हमने क्या किया है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. हमने क्या किया है, जस्ट टू रिपीट द प्रोसेस, पावर क्वेरी को यूज किया, वी टुक 2 years डेटा फाइल्स एंड वी कंबाइंड देम इनटू वन एंड देन वी लोडेड इट इनटू वन सिंगल फाइल. सो वी टुक दीज फ्रॉम इंडिविजुअल फाइल्स, वी कंबाइंड देम यूजिंग पावर क्वेरी एंड देन दिस वेंट इनटू पावर पिवट. राइट क्लिक एंड ऐड टू डेटा मॉडल, वो ऑप्शन था. ठीक है, ये सब भी हमने पावर पिवट में लोड किए. वंस इट वेंट इनटू पावर पिवट तो हमने क्या किया कि वी वॉन्ट टू मिक्स एंड मर्ज दीज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर बिकॉज सब में कुछ कॉमन है. सो वी वेंट इन टू डायग्राम मोड एंड देन वी सेट कि भैया कस्टमर कोड यहाँ से इससे लिंक्ड है, प्रोडक्ट इज लिंक टू प्रोडक्ट कोड, सो दैट वी कैन यूटिलाइज ऑल दीज टेबल्स ऑल्सो. इफ दे आर नॉट लिंक्ड देन वी विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दैम. ओके सो दैट इज द वर्क विच वी हैव डन एंड आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक ऑन पिवट टेबल. इट में अलाउ टू क्रिएट अ न्यू पिवट एंड उसमें आप जैसे नॉर्मल पिवट में करते हो वैसे यहाँ पे कुछ भी एड एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है, अभी तक का प्रोसेस इतना है एंड बिलीव मी मैंने 2 साल तक सिर्फ इस प्रोसेस से काम किया है. सो दिस इटसेल्फ इज अ गुड सेविंग ऑफ एफर्ट्स एंड फाइल साइज एंड परफॉर्मेंस एंड मैनी अदर थिंग्स. ओके आगे की चीज ठीक है, वी विल कंटिन्यू बट नहीं भी समझ में आती फॉर नाउ इट्स ओके. नहीं मैं आई विल स्टिल गो अहेड विद देम. या दिस इज नो नो समझ में आना तो कोई दिक्कत नहीं है बट व्हेन यू डू योरसेल्फ बिकॉज़ यू अखिलेश यू आर डूइंग बिकॉज़ यू आर मास्टर ऑफ इट. यस व्हेन वी डू वी माइट मिस. ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट टू क्लिक. व्हाट टू क्लिक नेक्स्ट श्योर दैट विल हैपन फर्स्ट टाइम जब देखोगे तो होगा ही. व्हेन वी डू योरसेल्फ कोई नहीं, फर्स्ट टाइम होगा ही, होगा ही वो क्योंकि हम 2 दिन का कोर्स एक दिन में. कैन यू डू दिस शर्मा जी, चलो लेट्स डू दिस, यू डू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ. नो नो अभी नहीं यार, नो नो अभी कंटिन्यू आई टाइम मोड में. चलो हां टाइम मास्टर क्योंकि हमारे पास वहां पे इनवॉइस है. करेक्ट, इनवॉइस डेट बट हमें मंथ भी चाहिएगा, ईयर भी चाहिएगा, बहुत सारी और चीजें चाहिए होंगी तो टाइम मास्टर को इंपोर्ट करता हूं मैं. ओके सो आई विल गो टू पावर क्वेरी डेटा, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल फ्रॉम वर्कबुक एंड इट रिक्वायर्स टाइम मास्टर. यस बोलो किशोर, कुछ कह रहे थे. अल्टीमेटली व्हाट आर वी डूइंग ट्राइंग टू सी, हमने कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लिया, प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लिया बट डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए हमें एडिशनल, क्वार्टर ईयर. हाँ तो इनवॉइस डेट है हमारे पास, ये डेट मास्टर है हमारे पास पूरा जिसमें बहुत सारे एडिशनल कॉलम्स हैं. ठीक है तो बस वो मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ एक नेक्स्ट चीज. ओके नाउ ये किया मैंने, इसको मैंने डेट्स नाम है ऑलरेडी, दैट्स फाइन. एंड इसकी डेटा टाइप्स फटाफट से चेक कर लेते हैं, ये मंथ इसको नंबर रहने देते हैं. ठीक है ये मैं कुछ कॉलम्स डिलीट कर रहा हूँ जिनका अभी ज़्यादा सेंस नहीं रखेंगे. ठीक है क्वार्टर, ठीक है ज़रूरत नहीं है. वीक ये डिलीट कर दिया मैंने कुछ, जस्ट आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से. एंड यहाँ पे उसी डेटा के डेट्स हैं. हाँ उसी डेटा के, ये डेट कॉलम से बाकी डिराइव्ड है सब कुछ. हाँ उसी डेटा के डेट कॉलम से बाकी सब कुछ. हाँ नाउ क्लोज एंड लोड टू
एंड मैं यहीं पे डायरेक्टली पहली बार में कह दूंगा कि मेरे को ओनली कनेक्शन एंड गो टू डेटा मॉडल बिफोर दिस. एक चीज और, विद डेट, यस बिफोर दिस एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया. आई थिंक वो मिस हो गया है तो मैं दोबारा ले लेता हूँ उसको. एक्सेल टाइम मास्टर, डेट्स, एंड नाउ आई विल जस्ट कीप सम ऑफ देम. मंथ चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. क्वार्टर भी फॉर नाउ नहीं चाहिए. डिलीट, ये मंथ डे है, ये भी हटा देते हैं. अभी नहीं चाहिए, मतलब डे वाइज में हम नहीं घुसते हैं अभी, ठीक है. ये सब चाहिए. ईयर को आई विल मेक इट टेक्स्ट, क्योंकि वो 4 डिजिट रहता है हमेशा. सॉर्टिंग का भी कोई इशू नहीं है और कभी समराइज करना नहीं है खुद से. पीरियड को मैं, पीरियड इज न्यूमेरिक मंथ, बट इसको मैं टेक्स्ट नहीं बनाना चाहता. द रीजन बींग आई डोंट नो टैग इसका फॉर्मेट कैसा है. बिफोर दिस अगर देखें तो देखिए ये सिंगल डिजिट है, बट ये 11, 12 और 10 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2 डिजिट हो जाता है. सॉर्टिंग में गेट डिस्टर्ब अगर वो नंबर नहीं रहेगा तो, इसलिए मैं इसको न्यूमेरिक रहने देता हूँ, ठीक है. ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. नहीं बट वो तो न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक ही रहना चाहिए ना. नहीं तो ऐसे तो कस्टमर कोड भी न्यूमेरिक था ना, उसको हमने टेक्स्ट बनाया. हाँ, अच्छा. द रीजन वाज कि हमको उसको जोड़ना नहीं आपस में. ओके यहाँ पे इश्यू ये है कि अगर मैं इसको यूज करूंगा, मान लो अपनी टेबल में लाऊंगा, तो इट विल शो मी मंथ एज 1, 10, 11, 12, 2, 3, क्योंकि वो टेक्स्ट. नहीं डेट है, लेकिन वो आप एक मेहनत करोगे ना एडिशनल कुछ फॉर्मूला या कुछ क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए रखा है. और मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ी देर में, ठीक है. हाँ तो मंथ को मैंने एज ए न्यूमेरिक कॉलम रखा, इसको क्लोज एंड लोड टू किया. इसमें 7-8 साल का डेटा है डेट मास्टर में, हमें तो मतलब नहीं, हमें तो 3 साल से मतलब है. तो वी फॉरगॉट टू फिल्टर इट. सो यहाँ पे मैं वापस गया उस क्वेरी के अंदर, एंड यहाँ पे आई कैन सेलेक्ट कि मेरे को सिर्फ ये 4 साल दिखा, 3-4 साल जो भी है लास्ट के, ठीक है. अगर कर भी दिया तो वहाँ पावर क्वेरी में फिल्टर कर सकते हैं ना उधर. पावर क्वेरी यही है, वहाँ पे नहीं होता है फिल्टरिंग कुछ. हाँ ओके 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 सही. ठीक है, अगर ये रख भी लेते कोई इशू नहीं है, अपन को ज्यादा ईयर दिखते, बट वो यूजफुल नहीं थे बस. क्लोज एंड लोड, तो अभी वो शायद 1000 के करीब लोड करेगा सिर्फ. फाइन, आई विल गो टू डेटा मॉडल. कनेक्शन क्या होगा किशोर, टेल मी विच शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट. नाउ वी हैव एडिट द डेट्स, सो इनवॉइस डेट शुड बी कनेक्टेड टू डेट. गुड. नहीं नहीं और कुछ है ही नहीं, ये सब मास्टर थिंग में तो है नहीं. हाँ ठीक है, नाउ सेव. ठीक है, अभी देखते हैं कि यूज कैसे आएगा. अखिलेश, व्हाट वी डिड इज वी हैव कनेक्टेड इनवॉइस डेट टू डेट, राइट? यस. बट व्हेन यू से डेट्स, इसमें डेट भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, सो वी हैव टू डू डेट टू डेट. डेट डेट ही होता है सर, मंथ इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, राइट. इनवॉइस डेट देखिए, इनवॉइस डेट किस तरह से, डेट ये होता है, एंड डेट देखिए यहाँ पे सिर्फ यही कॉलम है जो उस तरह का है, बाकी सब डिफरेंट चीजें हैं. ये डेट के डेरिवेशंस हैं, दे आर नॉट डेट्स. ओके नाउ मेरी ये पिवट है, ठीक है.
जो वहाँ से डेटा मॉडल से लिंक्ड है, डेट भी आ गया है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ मंथली रिपोर्ट लेट्स से। सो मेरा लेट्स से ईयर है एंड मंथ है, ठीक है। लुक एट दिस मंथ, मंथ टेक्स्ट कॉलम है तो वो टेक्स्ट से सॉर्ट करता है ए टू जेड, ठीक है। नाउ गलत है, अब इसमें हम डिसेंडिंग कर लो चाहे असेंडिंग कर लो, दोनों ही गलत हैं। चाहे वैल्यू वाइज कर लो तो वो भी गलत रहेगा, ठीक है। नाउ दिस यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज होगा। डेट मास्टर में आए हम, ये कॉलम है जो हम यूज कर रहे हैं रिपोर्ट्स में। सबसे पहले क्या आना चाहिए, जैन, ठीक है, एंड फिर फेब। सो यहाँ पे ये पीरियड विल हेल्प अस टू ब्रिंग दैट ऑर्डर, क्योंकि न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक सॉर्टिंग अच्छे से होती है पहले खुद से। सो व्हाट वी विल डू, आई विल सेलेक्ट मंथ एंड देन आई विल गो हियर, लुक एट दिस, सॉर्ट बाय कॉलम। व्हेन आई एक्सपेंड इट, सॉर्ट बाय कॉलम, सो बाय डिफॉल्ट एवरी कॉलम इज सॉर्टेड बाय इट्सेल्फ, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि मंथ को तुम सॉर्ट करो पीरियड से, पीरियड के बेसिस पे मेरा मंथ कॉलम सॉर्ट होना चाहिए। सो दैट एडिशनल फैक्टर आई कैन गिव हियर, एंड व्हेन आई क्लिक ओके एंड व्हेन आई गो टू द रिपोर्ट, यू सी, सो आई विल रिपीट दिस प्रोसेस वंस अगेन, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल में नहीं है ये कॉन्सेप्ट। तो दूसरा लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैन 17, फेब 17, मार्च 17। सो ये जब सॉर्ट करेगा तो ये कैसे करेगा, ए लेगा ये अप्रैल 17, अप्रैल 18, फिर अगस्त 18, सो अल्फाबेटिकली जाएगा। तो ये कॉलम भी हमें कैसे चाहिए, जैन 17, फेब 18, लाइक दैट। सो इसका एक न्यूमेरिक की हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ये रहा, तो इसको हमें सॉर्ट करना है इसकी मदद से, मंथ की मदद से। सो जिस कॉलम को सॉर्ट करना है यू हैव टू सेलेक्ट दैट, देन गो टू सॉर्ट बाय एंड सेलेक्ट द कॉलम विच कैन हेल्प अस इन करेक्ट सॉर्टिंग, सो विच इज मंथ की, एंड व्हेन आई क्लिक ओके एंड इफ आई गो टू माय पिवट, यहां पे वो फील्ड मैं यूज करके देखता हूँ, लेट्स से ईयर भी नहीं है, वो भी नहीं है, मंथ नेम इफ आई यूज, सी दैट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अदरवाइज अगर ये हमने नहीं किया होता तो ये सबसे पहले आता अप्रैल 17, फिर आता अप्रैल 18, फिर आता 19, लाइक दैट अल्फाबेटिकल। सो दैट्स वाई वी नीड सम न्यूमेरिक इंफॉर्मेशंस फॉर दिस सॉर्टिंग ऑर्डर। थिंक ऑफ इट इन दिस केस ऑल्सो, लेट्स से वी गो टू, और हमारी मास्टर्स हैं उसमें कुछ कंट्रीज थे, करेक्ट। कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरी फोकस कंट्रीज को पहले देखना चाहूंगा मैं, बाद में दूसरी कंट्रीज को देखूंगा, ठीक है, ये कंट्रीज हैं आपके पास, बट हो सकता है आपका कुछ पर्टिकुलर प्रेफरेंस हो देखने का। मे बी आप पहले यूएई देखना चाहते हो, ठीक है, फिर आप सऊदी देखना चाहते हो, फिर आप लेट से ओमान देखना चाहते हो और कुवैत देखना चाहते हो। सो दिस इज नॉट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट मे नॉट बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उसके लिए क्या करें, एक न्यूमेरिक डाल दो साथ में कि कौन सा पहले देखना चाहते हैं, एंड यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम। डेट में तो डेट टेबल में तो इट वाज मस्ट टू डू, क्योंकि अपना क्रोनोलॉजी डिफर हो जाता है वरना, बट बाकी जगह भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू सी फ्यू नेम्स फर्स्ट, सो उसके साथ एक सॉर्टिंग कॉलम डाल दो। यस, करेक्ट करेक्ट। सो ये हो गया, देन लेट मी ब्रिंग बजट, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको लगेगा ही लगेगा बजट। तो बजट को एक बार खोल के देख लेते हैं, इट लुक्स लाइक एक्चुअल टेबल, ठीक है, बट मंथ लेवल पे इंफॉर्मेशन है, रूट कस्टमर कोड वो सब है और क्वांटिटी है। सो क्लोज द फाइल, मास्टर्स भी क्लोज कर रहा हूँ मैं। Here I will go for get data budget. Now budget is
काइंड ऑफ आवर ट्रांजेक्शन अगेन, हर चीज रिपीट होती है कई बार, क्योंकि हर मंथ में सारी चीजें होती रहेंगी. सो कनेक्शन हमें देखने पड़ेंगे फिर से, अदरवाइज वी विल नॉट नो कि किसका बजट है, किस कस्टमर का है, किस रूट का है, किस कंट्री का है. Yes, are you doing cross check? नहीं क्रॉस चेक नहीं, मैं बजट ऐड किया है अभी. ओके ठीक है. एंड बजट में ये तीन चीजें हमारी टेक्स्ट थी, सो आई विल मेक देम टेस्ट अगेन. ये वाला डेसिमल था या जो भी था, इट इज डेसिमल फॉर नाउ एंड दैट इज डेट एंड आई एम लोडिंग इट ओनली कनेक्शन एंड डेटा मॉडल. Now when I go to manage, budget भी आ गया है. Let us see the diagram view. So that's our budget. Budget को I will keep it here. So generally मैं क्या करता हूँ कि transaction tables ऐसे कर लेता हूँ, अगर multiple आपके transactions हैं तो, and बीच में masters डाल देता हूँ उस तरह से. It is up to you कैसे देखना है उसको. ओके थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट यू कैन सी. सो ये मास्टर्स है, यहां पर रिपीटेशन था, इधर भी रिपीटेशन है क्योंकि हर मंथ में वो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं दोबारा से. सो सबसे पहले मंथ है, ठीक है. मंथ को किससे कनेक्ट करना है, मंथ को किस, मंथ टू मंथ. ये मंथ टू टैक्स है, यहां पे ये डेट है, दिस इज अ डेट. सो नाम मंथ है वो डेट, मंथ एंड डेट है, ठीक है. सो इट शुड बी लिंक टू डेट नॉट मंथ. कंटेंट को देखो हमेशा, नाम पे मत जाओ. ओके देन प्रोडक्ट, व्हाट इज देयर इन द डेट, डेट में तो डेट ही है ना. कैन यू go back to both of the columns which you connect. ये date है. When we say date, so these are the dates. And when you say month of budget. Month of budget. वो भी actually date है, बस वो month end date डाल रखा है क्योंकि repeat नहीं हो रहा. Okay. हाँ. Alright. Standalone उस table में फर्क नहीं पड़ता है, but जब किसी और के साथ देख रहे हैं तो difference ला रहा है. ठीक है. Product को product से कर दिया link. कस्टमर को कस्टमर से कर दिया लिंक एंड रूट को रूट से कर दिया. नाउ आर यू रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. मान लो हमारी टेबल में ये सब कुछ होते हैं, ये सारी चीजें इसमें और इसमें भी होते हैं, तो अभी हम उन दोनों को सेल्स और बजट को मिक्स नहीं कर पाते क्योंकि दोनों साइड रिपीटेशन हो रहा था, वो कनेक्शन करने नहीं देता आपस में. इफ दीज थिंग्स आर नॉट देयर, दिस कैन नॉट बी लिंक टू दिस बिकॉज डुप्लीकेशन दोनों साइड है, यूनिकनेस नहीं है कहीं पे भी. सो दीज आर काइंड ऑफ मीडिएटर्स कि भैया मेरे पास यूनिक चीजें हैं, आपके पास डुप्लीकेशन है, आपके पास भी डुप्लीकेशन है, तो आप मेरे से बात करो, आपस में मत बात करो. एंड नाउ वेन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिपोर्ट, सो लेट से आई वॉन्ट टू नो माई कंट्री वाइज सेल्स. सो कंट्री इज इन मैनेजर्स. I want to know my actual sales, which is in here, and I want to know my budget, which is here. Okay, so you can see budget versus actuals ka report. Now we can make it. We can create, let's say, हमारे पास date common है बीच में, हमें चाहिए कि yearly budget चाहिए, या year का शायद कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक ही साल का होगा बजट, लेटेस्ट ईयर का होता है. तो 2020 के लिए ये सेल्स है और ये बजट है. ओके सो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वो सब तो आप कर लोगे. मेन कॉन्सेप्ट जो समझने की कोशिश करिए कि दोनों साइड रिपीटेशन है, यूनिकनेस नहीं है इधर भी और इधर भी, कई बार रिपीट हो रही हूँ चीजें. तो ये दिस कैन नॉट बी लिंक डायरेक्टली टू दिस, इट नीड्स सर्टेन मास्टर्स जिसमें यूनिक वैल्यूज हैं, एंड देन ओनली
इट कैन बी लिंक्ड. सो ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, दैट मीन्स इसके थ्रू ये आपस में बात कर सकते हैं. ओके, सो वी विल यूज इन रोज और कॉलम्स थिंग्स फ्रॉम दीज मास्टर्स एंड बाकी वैल्यू सेक्शन में यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं. ओके, आज इट क्लियर? या नाउ अब थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ते हैं. रिलेशनशिप तक का ये ठीक है, दिस इज वेरी गुड अगर इतना भी आप इमीडिएटली स्टार्ट कर पाओ तो, बाकी टाइम ले लो बाकी चीजों में. अब हमारे पास वॉल्यूम है, बजट भी वॉल्यूम है और सेल्स भी वॉल्यूम है. ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू. ठीक है, हमें चाहिए सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू कैसे लेंगे? तो सेल्स वैल्यू के लिए हमारे पास वॉल्यूम है तो हमें प्राइस चाहिए कहीं ना कहीं से. प्राइस कहाँ पे है? प्रोडक्ट में हमारे पास प्राइस प्राइस पड़ी हुई है, कॉस्ट भी पड़ी हुई है, कॉस्ट चाहिए तो मार्जिन भी पड़ा हुआ है अगर चाहिए तो. ठीक है, तो सबका मेथड सेम होगा बट मैं सिर्फ इसको लेता हूँ प्राइस को. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इस सेल्स टेबल में वो चीज़ चाहिए प्राइस, तभी जाकर के मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ टू गेट द वैल्यू. हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को रो वाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. नहीं पकड़ेगा. क्वांटिटी इनटू प्राइस से क्या होगा कि वो पहले क्वांटिटी को सम करेगा, उधर वो प्राइस को सम करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा. विच विल बी एमएस नहीं पकड़ सकता. ठीक है, क्योंकि वो पहले पिवट सम करता है ना, उसका नेचर खुद से वैसा होता है. ठीक है, तो उधर जो प्राइस है वो 12 प्लस 10 प्लस वो मिलके पता नहीं क्या प्राइस बन जाएगा. एवरेज भी गलत है, सम भी गलत है, कुछ सब कुछ करोगे वो सब गलत है. लाइन बाय लाइन होना चाहिए प्रोडक्ट के बेसिस पर. सो फर्स्ट लेट अस ब्रिंग दैट डेटा हियर. प्राइस को इधर ले आएंगे अगर प्रोडक्ट की लाइन में तो देन मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फिर अपन. अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इधर 130,000 लाइंस है, उधर वो 28 लाइंस है, तो समझ नहीं पा रहा कैसे मल्टीप्लाई करूंगा. सो पावर पिवट में यू कैन ऐड न्यू कॉलम्स. यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एडिंग न्यू कॉलम्स. लेट्स से आई वांट टू कॉल इट एज एसपी सेलिंग प्राइस. व्हाट कैन बी द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस? अब अगर मैं नॉर्मल एक्सेल होता तो वी लुकअप लगा देता, पर यहां पे वी लुकअप फॉर्मूला ही एब्सेंट है ही नहीं वो. सो एक फॉर्मूला है यहां पे, हमारी टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं. ठीक है, ये दिस इज लिंक टू दिस और यहां पे प्राइस पड़ा हुआ. हाँ, तो मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन जो है कि गिव मी द रिलेटेड फील्ड. एक फंक्शन है रिलेटेड करके. अब ये दिखा रहा है कि इन इन से आपका रिलेशन है, बताओ कौन सा लाना है मेरे को. तो मैं कह दूंगा प्रोडक्ट में से प्राइस उठा के ले, क्लोज द ब्रैकेट. तो उधर से वो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस यहां पे लाके रख दिया उसने, क्योंकि रिलेशन है आपस में. उसने बोला कि मेरे को रिलेटेड एलिमेंट दो, उसने बोला इतने सारे रिलेटेड है, बताओ कौन सा चाहिए, तो ये आ गया यहां पे. अब जब ये यहां पे आ गया तो वी कैन क्रिएट वन मोर कॉलम एंड हम लिख सकते हैं quantity multiply by selling price. क्योंकि within the table जब multiplication हो रहा है तो वो line by line हो रहा है. ठीक है, अगर वो direct करने की कोशिश करते हैं आप तो वो नहीं हो पाता. So this column is essentially our value column. ठीक है, I will change it to let's say. Because quantity भी same है, price भी same है, this इसलिए. If you go down, कहीं ना कहीं वो change हो जाएगा. You see? Yeah. Okay. Dummy data है ना सर, थोड़ा reality नहीं दिखती. Okay. Now, अब नेक्स्ट थिंग, ये चीज
क्वांटिटी जो है मेरे को, अपन जब पिवट में देखते हैं तो वहां पे क्या दिखता है अपन को, सम ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वो सम करता है या काउंट करता है या कुछ ना कुछ करता है, तो वो एडिशनली प्रीफिक्स लगा देता है साथ में, एंड वो खुद अपन मैन्युअली चेंज करते हैं वहां पे फिर से, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये, अब लेट अस स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस एरिया। सो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आई वांट वॉल्यूम एज वन फील्ड। सो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, आई विल राइट वॉल्यूम एंड देन इक्वल टू, सो द वे ऑफ राइटिंग फॉर्मूला इज लाइक दिस, सिंटेक्स ऐसे, नाम लिखो फिर कोलन एंड इक्वल टू लगाओ, उसके बाद फॉर्मूला स्टार्ट होता है। देन आई विल से सम ऑफ विच कॉलम, यू कैन सेलेक्ट योर कॉलम एंड इट इज सेल्स डेटा में क्वांटिटी। सो पहले जब अपन क्वांटिटी को ड्रैग करते थे तो वो सम ऑफ क्वांटिटी देता था, ठीक है। अभी मैंने कहा क्या कि वो डेफिनेशन फिक्स कर दी कि वो सम ऑफ क्वांटिटी शुड बी कॉल्ड एज वॉल्यूम, ओके। अजय किशोर आर यू विद क्या मी? कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू सर? आई एम क्रिएटिंग ए कैलकुलेटेड फील्ड। ओके फॉर व्हाट? कॉलम कैसे कर दिया, कॉलम कैसे कैलकुलेट किया वो हमें देख लिया। अब समराइजेशंस भी कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको। उसका भी, उसका यहाँ पे क्या लेना देना, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैं देख, यहाँ पे जब आप ड्रैग करते हो क्वांटिटी को, सो आपको क्या दिखा, सम ऑफ क्वांटिटी दिखता है वो। मेरे को नाम क्लीन चाहिए, पहला सिंपल रिक्वायरमेंट तो ये है, हर बार मैं जाके चेंज करूंगा दैट इज नॉट व्हाट आई वांट, करेक्ट। ओके ओके दूसरा मान लो मैं ऐसे के ऐसे, मतलब ऐसे भी चलने देता हूँ अपने काम को, बट मेरे पास ऑप्शंस समराइजेशन के सिर्फ यही रहेंगे फिर, इफ आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा तो मेरे पास है नहीं वो चीज़ यहाँ पे। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि रेदर देन यूजिंग दिस ऑटोमेटिक समराइजेशन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ही डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ उसकी, मैं कि क्या ओके नाम ओके होना ओके चाहिए ओके और क्या समराइजेशन किस तरह से कैलकुलेशन होना ओके चाहिए, ओके 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 ठीक। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग द वे टू राइट द फॉर्मूला इज इस वॉल्यूम वॉल्यूम सेमी कॉलन इक्वल। इक्वल, सेमी कॉलन चाहिए शायद पुराने वर्जन्स में चाहिए, इस वाले में नहीं जरूरत है, बट आप देख लेना विद और विदाउट दोनों ट्राई करना, ठीक है। इसमें नहीं मांग रहा है वो मेरे वाले में, लेटेस्ट वर्जन में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, इट शुड बी ए सम, सॉरी चाहिए वो इक्वल, इट शुड बी सम एंड सम ऑफ विच कॉलम क्वांटिटी इन दिस टेबल एंड एंटर, सही सर। तो ठीक है। इस पिवट में वॉल्यूम नजर आएगा उधर हाँ नॉर्मल तो पिवट में अब एक एडिशनल फील्ड आ गया है मेरे पास सेल्स डेटा में, यू कैन सी कैलकुलेटेड फंक्शन है वॉल्यूम। सो मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे को वो क्लीन दिखेगा और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब मैं पहले से फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है, आई कैन से दिस शुड बी ए कॉमा फॉर्मेटिंग, इट शुड नॉट हैव डेसिमल्स। तो बार बार मेरा रिपीटेटिव प्रोसेस सब एलिमिनेट हो गया वो। वन सेकेंड, ये वॉल्यूम जो हमने सम किया है, ये सम का रेंज कहाँ से कहाँ सम हो रहा इस पूरे फील्ड को किया है, क्वांटिटी फील्ड को पूरे को। है? पूरा फील्ड। अच्छा अच्छा हाँ ओके, टोटल कर दिया बस। हाँ ओके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाएगा पिवट में, जो भी है उसके अकॉर्डिंग, बाहरीन कंट्री के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो खुद से। ओके सबका अपने आप सम हाँ कर देगा। हाँ और एक चीज और कि पावर पिवट के अंदर यू नेवर डू कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन ए सेल, हमेशा कॉलम पे कैलकुलेशंस होती हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड सेल, सेल होता ही नहीं कॉन्सेप्ट इधर। जैसे नॉर्मल एक्सेल में होता है ना, एक सेल को हमने डॉलर लगा के मल्टीप्लाई कर दिया कुछ भी कर दिया, यहाँ पे नहीं होता, पूरा कॉलम के साथ करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू अस, ऐसा नहीं है कि वो कमी है, इट इज बेनिफिशियल एक्चुअली। मेरे को वैल्यू का चाहिए तो यहाँ पे मैं लेट्स में लेट्स से सेल्स वैल्यू एंड कोलन, व्हाट इज द फॉर्मूला, सम ऑफ दिस कॉलम, यू कैन सेलेक्ट ऑल्सो, अगर सेम टेबल के अंदर है तो सिलेक्शन अलाउड करेगा वो। फॉर्मेटिंग में पहले से फिक्स कर देता हूँ, कॉमा फॉर्मेटिंग, नो डेसिमल्स, इसलिए अजय ये This ध्यान रखना। formula is taking value say sales value. Don't it's not like same like VAL like before. हाँ सेम नेम आई कैन पहले नॉट क्या था, कीप, पहले वाला formula क्या था, go back to
क्वांटिटी कॉलम था, आई नेम्ड इट एज वॉल्यूम. सो हमारे पास सेल्स वैल्यू आ गया है विच इज देयर इन सेल्स डेटा, बट मेरे को वो भी चाहिए बजट वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे करना है. नाउ मैं बजट में थोड़ा एडवांस वे में बताता हूँ थोड़ा सा कि हमें अगर कॉलम नहीं ऐड करें तो कैसे करेंगे इसको. ठीक है, क्योंकि कॉलम ऐड करना इज ए कॉस्ट टू लाइक परफॉर्मेंस, राइट. डेटा बढ़ रहा है, वो 130,000 टाइम्स वो बढ़ चुका है दो कॉलम्स में. तो बजट में सेम चीज़ कैसे करता हूँ, यहाँ पे देखिए आई एम राइटिंग बजट वैल्यू. सो अगर जस्ट टू रिपीट द प्रोसेस, यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले रिलेटेड फंक्शन की हेल्प से मैं प्राइस लेके आया, फिर मैंने उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया रो बाई रो में. ठीक है, एंड देन मैंने उसको सम किया है. ओके, नाउ लेट मी शो यू हियर कि एक फंक्शन होता है. तो पहले तो बजट वैल्यू, आई एम मॉडिफाइंग द नेम्स लिटिल बिट, क्योंकि वो सेम नेम नहीं यूज कर सकते जो पहले से हैं. ठीक है, पिवट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए वो थोड़ा सा चेंज करना है नाम कुछ भी हो. मैं क्या कह रहा हूं कि एक फंक्शन है सम एक्स. सम एक्स इज सिमिलर टू सम प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ आवर एक्सेल. ओके, सम एक्स या सम प्रोडक्ट का क्या रोल है, वो लाइन बाय लाइन मल्टीप्लीकेशन करता है. जो भी आप कराते हो प्रोडक्ट जो करता है कॉलम्स का, लाइन बाय लाइन करता है. अब इट इज आस्किंग टू थिंग्स, ये कह रहा है विच टेबल में करना चाहता हूं. यू वॉन्ट टू डू दिस इन विच टेबल, आई वुड से बजट टेबल. बजट के अंदर मेरे को लाइन बाय लाइन में मल्टीप्लीकेशन चाहिए. देन इट इज आस्किंग फॉर एक्सप्रेशन, आपकी डेफिनेशन क्या है जो भी आप करना चाहते हो उसकी. सो आई एम सेइंग क्वांटिटी को ले लो बजट से एंड मल्टीप्लाई इट बाय प्राइस. नाउ प्राइस तो मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट रिलेटेड प्राइस. ठीक है, तो जो मैंने वहां पे तीन स्टेप्स में किया था, पहले प्राइस कॉलम किया, फिर एक मैंने सेल वैल्यू कॉलम ऐड किया, फिर मैंने उनका सम किया, तीन चीजें यहां पे, वो सारी चीजें एक ही में लिख दिया मैंने विदाउट एडिंग एनी फर्दर कॉलम. एंड व्हेन आई डू दिस, दैट्स माय बजट वैल्यू. ओके, जस्ट टू वेरीफाई कि ये ढंग से काम करता है कि नहीं करता है. ठीक है, मैं सेल्स डेटा में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इस मेथड से भी सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ. लेट सी इफ इट इज गिविंग मी सेम एग्जैक्ट वैल्यू. यहाँ पे मैं सेल्स नाम रखा सम एक्स, विच मीन्स लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई करो. किस टेबल के अंदर करना है, तो सेल्स डेटा टेबल के अंदर करना है. किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, टेक द क्वांटिटी एंड नॉट प्राइस, रिलेटेड प्राइस, क्योंकि प्राइस उधर है, यहाँ पे नहीं है. लेट अस अज्यूम है ही नहीं वो हमारे पास, तो रिलेटेड प्राइस. सो दिस सेव्स थ्री कॉलम के वर्थ, वो साइज कम कर देगा और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है. यू कैन सी एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है. सो वी शुड नो बोथ मेथड्स. जब अपन को मेजर्स में ज़्यादा नहीं घुसना है तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लो फॉर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको शिफ्ट करना है मेजर्स में. ये जो नीचे लिखते हैं, ये दीज आर वेरी इफिशियंट थिंग्स, और अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हो तो दैट एड्स, दैट स्लोस डाउन योर परफॉर्मेंस. ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, नाम दिया, फिर हम कह रहे हैं सम एक्स करो, मतलब लाइन बाय लाइन मल्टीप्लाई करो उनको. ओके, किस टेबल के अंदर करना है, सेल्स डेटा टेबल के अंदर करना है. किन चीजों को करना है, सेल्स डेटा से क्वांटिटी लो एंड रिलेटेड कॉलम ले लो प्राइस का. ओके, सो दैट हेल्प्स अस in reducing the additional data.
And now since the columns are why are there, we, one second, why are we doing this manually? Manually means? We are doing this formula as manually. तो फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे ना सर, ऑटोमेटिक कैसे होगा? We can make this more columns. वही तो मैं बता रहा हूँ कि कॉलम्स ऐड करना इज एंड कॉस्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द फाइल. एक कॉलम ऐड कर रहे हो मतलब 130,000 सेल्स यू आर एडिंग, दूसरा फिर ऐड किया 1,30,000 और ऐड हो गई सेल्स, सो फाइल साइज बढ़ा जा रहा है उसमें. इस प्रोसेस में वो फाइल साइज नहीं बढ़ रहा है. ओके, एंड वी नीड टू कीप द फाइल साइज मिनिमम. ठीक है, इनिशियली आपकी डेटा छोटा है तो ठीक है चलेगा तब तक, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू शुड स्टार्ट शिफ्टिंग योर लॉजिक्स और नॉलेज टू मेजर्स. सो ये जो नीचे लिखते हैं ना अपन, इन सबको बोलते हैं मेजर्स. ओके, एंड जो ऊपर बोलते हैं वो न्यू कॉलम्स और एडिशनल कॉलम्स. सो व्हेन वी डिड दिस टोटल्स, ओके, वॉल्यूम सेल्स सेल्स वॉल्यूम, हाँ, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, गो बैक टू द मेन. इसका बेनिफिट ये था कि एक तो ये वॉल्यूम नाम फिक्स हो गया, वरना हमारे पास अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो सम ऑफ क्वांटिटी आता है हमेशा, सम ऑफ क्वांटिटी और व्हाटएवर वी ड्रैग उसका कुछ डेरिवेशन आता है ना, प्रीफिक्स आ जाता है, नाम क्लीन नहीं होता. दूसरा, हर बार हमें उसका फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ता है. फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो इट विल फॉलो दिस फॉर्मेटिंग एवरी टाइम नाउ. ओके, एंड फिर मैंने आपको एक और लॉजिक दिया था कि अगर आप मान लो ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ करोगे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं उसके, ड्रैग एंड ड्रॉप के. ये क्वांटिटी यहाँ पे ड्रैग किया तो हमारे पास यही सिर्फ एग्रीगेशन के, समराइजेशन के सिर्फ ये मेथड्स हैं. अब जैसे मैंने समेक्स वगैरह किया वो तो था ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, सो इन, हाँ, गो बैक टू द पेमेंट. या सो दैट मींस व्हाटएवर यू हैव एडेड थ्री आइटम व्हिच इज लिस्टेड हियर ऑन द विद इन द पेमेंट. यस, एंड यू विल आल्सो सी डिफरेंस कि वो एफएक्स के साथ आते हैं कि ये आपने खुद ने कैलकुलेट किए हैं. हां, एफएक्स से आएंगे, ये फार्मूला से क्रिएट किए गए. हां, एंड देन यू कैन सेलेक्ट सेलेक्ट वन ऑफ देम एंड सी द रिजल्ट. एक वॉल्यूम तो सेलेक्ट कर ही रखा है, ये हटा देता हूं. लेट्स से ये देखिए सेल्स, ये अपना नॉर्मल मेथड से आया था ये वाला, और ये अपना उससे आया है समेक से, दोनों एग्जैक्टली सेम है. तो हम जो डेटा को ऐड कर रहा है उस मेथड को क्यों चूज करें, इसको चूज करेंगे. दिस वाज यूजिंग एडिशनल कॉलम्स, क्वांटिटी लाए, प्राइस लाए, वो सब करा. ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ समेक फॉर्मूला लिखा था इसके लिए, इसके लिए. सो आई हैव टोल्ड यू बोथ मेथड्स, बट प्रायोरिटाइज दिस वन, सम एक्स वगैरह की तरह से जितने ज्यादा हो मेजर्स लिख दो, डायरेक्ट कॉलम्स पर मत यूज करो. नहीं तो उसमें देखो फिर आपका वीडियो देखना पड़ेगा हमको बार बार कि किस तरह से. तो सर वो तो देखना ही पड़ेगा ना, दैट इज द पर्पस ऑफ वीडियो. लुकिंग VOL स्टार्टिंग फ्रॉम VOL, राइट? हां, व्हेदर यू आर स्टार्टिंग विद, सो सी मेमोरी इशू इज एन इशू. सर वो तो देखना ही पड़ेगा, मतलब एक बार में तो नहीं ग्रेस्प कर सकते सब चीजें. ओके, सो नाउ अब हमारे पास जो चीजें हैं, यू कैन सी वी हैव इजीली कैलकुलेटेड, हमने सेल्स यहां से ले लिया, एंड आई कैन टेक बजट फ्रॉम अनदर टेबल एंड आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम फॉर अ पर्टिकुलर ईयर मे बी. सो राइट क्लिक ए स्लाइसर, मैंने स्लाइसर ऐड किया, मेरे को सिर्फ 2020 के लिए देखना है. तो 2020 में यहाँ पे गया, डेट टेबल था, जिस फील्ड का स्लाइसर चाहिए उसको राइट क्लिक करो एंड ऐड एज स्लाइसर. ओके, हाँ, तो एक आ जाएगा. अगर एक करना है तो ऐसे करना है, बट लेट से बहुत सारे स्लाइसर्स करने, मेरे को कंट्री का भी करना है, मेरे को ईयर का भी करना है, मेरे को कई सारे करना है, तो गो टू पिवट एनालाइज एंड यहाँ पे एक इंसर्ट स्लाइसर होता है दैट गिव्स अस फील्ड्स ऑफ ऑल द टेबल्स एक साथ. तो मेरे को लेट से चाहिए, आई वॉन्ट माई ईयर स्लाइसर, I want my regional manager, I want my product category, and let's say I want my country also. कहीं तो था यहाँ पे तो, ठीक है, and when I click OK, तो सारे slices एक साथ भी कर सकता है add. तो मेरे UAE के अंदर 2020 में, ये तो line wise है,
इसको प्रोडक्ट वाइज कर देते हैं। प्रोडक्ट एंड दैट्स माय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। सो प्रोडक्ट वाइज सेल्स और बजट कंपेयर कर रहे हैं, किस किस में स्लाइसर्स की वैल्यूज पे डिपेंड करूँ, मेरे को इस ईयर में चाहिए 2020 में यूएई के अंदर चाहिए, एंड मेरे को सिर्फ फ्लेवर्ड वाटर के प्रोडक्ट दिखाओ, सो दीज आर माय फ्लेवर्ड वाटर प्रोडक्ट्स। अच्छा, हाउ टू मेक श्योर दैट माय दिस पावर पिवट इज क्रिएटेड बट इट इज टेकिंग ऑल द सेल्स ऑल द डेटा, समथिंग इज मिसिंग और नॉट, हाउ टू क्रॉस चेक? सो आपकी ओरिजिनल फाइल में नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, सबसे पहले चेक तो है कि लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, जितनी है उतनी आ रही है, करेक्ट, रोज रोज, हाँ, तो इसमें जितनी है प्लस अगले साल का जो था उन सबको ऐड करो, एंड देन लुक एट द नंबर कि आपके मॉडल में कितनी लाइंस आ रही हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है 130,449, वो मैच होनी चाहिए सबसे पहला, तो ये है, अनलेस यू आर फिल्टरिंग समथिंग तो डिफर होंगी ऑब्वियसली। ये तो मैंने ये सिंपल ये वाला देखा करो कि 130,449 प्रोडक्ट्स में हमारे पास 27 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 68 सेल्स रेप हैं, तो रूट्स हमारे पास 68 हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी चीजें जो भी हैं, ओके। सो एक तो मेथड ये है, दूसरा मैन्युअली सेल्स को वेरीफाई करो, एटलीस्ट वॉल्यूम को वेरीफाई करो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों में, हाँ वहाँ टोटल करो, पहली बार करो ठीक है मैन्युअली कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे चलेगा, बट आगे के लिए श्योरिटी हो जाएगी। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट ना, तुमने सब कुछ कर तो लिया बट डेटा अगर सही नहीं है तो द होल एक्सरसाइज इज नॉट कम। सर वो पॉइंट आउट हो ही जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, आप नहीं भी करोगे तो आप जब रिपोर्ट बनाने लगोगे कहीं पे और दिखेगा वो नंबर, वो पॉइंट आउट हो जाएगा अपने आप भी, ठीक है। तो ये हो गया, अब लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट, मेरे को वेरियंस चाहिए, सिर्फ कंपेयर करके साइड बाय साइड तो नहीं, मेरे को वेरियंस भी चाहिए परसेंटेज वाइज, कितना इंक्रीज हुआ, ग्रोथ क्या है मेरी या अचीवमेंट कितना है। तो यहाँ पे आई विल गो बैक अगेन, किसी भी टेबल में लेट्स से बजट में लिखते हैं, तो आई वांट वेरियंस विद रेस्पेक्ट टू बजट, ओके, एंड हियर आई विल राइट, तो ये दिखा रहा है मेरे को क्या क्या फील्ड्स है मेरे पास अवेलेबल, ओके, तो सेल्स वैल्यू ले लेता हूँ मैं, या सेल्स ही ले लेता हूँ, दोनों सेम ही तो हैं, माइनस बीयूजी बजट, सो दैट्स माय वेरिएंस नाउ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, दिस इज द वैल्यू, ओके। नाउ लेट्स से मेरे को परसेंटेज वेरिएंस चाहिए, तो मैं एक और फॉर्मूला डाल देता हूँ, वेरियंस परसेंटेज एंड कोलन, दैट्स द नेम, आफ्टर दैट फंक्शन वुड बी टेक माय वेरियंस वैल्यू एंड डिवाइड इट बाय बजट, आई एडिड, मैंने वेरियंस नाम रखा, फिर सेल्स को माइनस किया बजट से तो वेरियंस मिल गया, एक नया कैलकुलेशन किया ना, किशोर आप बोलो, मैंने एक नया फील्ड किया, जैसे बजट वैल्यू में जो भी कुछ लिखा मैंने एक नया किया, वेरियंस नाम है उसका, उसकी डेफिनेशन क्या है, सेल्स में से बजट को माइनस कर दो, वही वेरियंस है मेरा, फिर मैंने एक और किया कि परसेंटेज वाइज दिखाओ मेरे को ये चीज, तो ये दिखा रहा है वेरिएंस डिवाइडेड बाय बजट, ठीक है, परसेंटेज वेरिएंस का, अच्छा वेरिएंस जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, हाँ ये वैल्यू वाइज है, ये परसेंटेज वाइज है, ओके ओके,
उसको ले लेगा। इसको मैं परसेंटेज फॉर्मेट में कर देता हूँ, सो 148% आ रहा है वेरियंस। रीजन इज बजट मेरे पास एक ही साल का होगा और बाकी सब चीजें तो दो तीन साल की है ना। यू आर क्रिएटिंग दिस फॉर्मूला एट वंस, यस, इन द पिवट एनालिसिस इट विल टेक, पिवट में हमेशा ये आ जाएंगे आप, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, इज इट लाइक दैट? यस यस, सो पिवट में यहाँ पे देखिए जहां पे भी आपने ऐड किया वो फील्ड्स वहां पे मिल जाएंगे वो। ये मेरे को वेरियंस भी डाल दिया साथ में, एंड ये मेरे को परसेंटेज वेरियंस भी डाल दिया, एंड ये मैंने फॉर्मेटिंग किया था क्या उधर किया था, ठीक है। यहाँ पे जब भी पिवट के अंदर फॉर्मेट करो तो यूज दिस नंबर फॉर्मेट, ओके। द बेनिफिट इज कि पिवट तो एक्सपेंड होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड चलता रहता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, सो यू व्हेन यू डू इट लाइक दिस तो वो इसी एरिया को फॉर्मेट कर रहा है सिर्फ, बट व्हेन यू डू इट लाइक नंबर फॉर्मेट तो वो इस फील्ड को फॉर्मेट करता है। ओके, सो दैट्स माय वेरिएंस फॉर 2020 इन यूएई इन फ्लेवर्ड वाटर। ओके, मॉडल पावर पिवट, या इसके अंदर है ना ऑल द फॉर्मूलास वी आर पुटिंग अंडर द कॉलम प्रोडक्ट कोड, नहीं इट डजंट मैटर, दिस एरिया इज ऑल सेम, यू कैन पुट इन एनीवेयर एनीवेयर इन द कवर द ग्रे एरिया, इस लाइन के नीचे कहीं पे भी डाल दो, इट्स जस्ट आपका खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है किस जगह रखना है आपको। सॉरी कम अगेन अजय, इन द नॉर्मल पिवट यू कैन ऑलवेज इंसर्ट द फॉर्मूलास द वे यू वांट इट, इन कंडीशन लगाना है मैनुअली करना हो एंड इट एड्स टू दैट पिवट फील्ड इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूलास, राइट? हां, जो कैलकुलेटेड फील्ड, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटेड फील्ड, हां हां, तो वो यही चीजें हैं, कैलकुलेटेड फील्ड इसी एरिया इसी सेक्शन का, बट वो आप यहां पे क्यों कर रहे हो, तो वहां पे भी कर सकते हैं ना, नॉर्मल पिवट वहां पे पॉसिबिलिटी कम होती है ना, लाइन बाय लाइन वगैरह नहीं थे यहाँ पे इस मॉडल में। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे वो चीजें तो है ही, हाँ हाँ, बट एक्सटर्नल टेबल और वो सब नहीं होता उसमें, यहाँ पे कर करेक्ट करेक्ट, तो जो जो अवेलेबिलिटी वहां पे होती है दैट इज जस्ट सबसेट ऑफ व्हाट वी आर हैविंग हियर। ओके, ओके, नहीं नहीं अभी अभी है नहीं है, हाँ ये पिवट है, हाँ means this minus this kya kiya variance ka ek total variance ka udhar formula bana diya, but is it will take for everything, ha wo usko distribute kar deta hai hamesha jo bhi aapka context hai uske hisab se distribute kar dega, ha agar aap hata doge to wo pura total line pe rahega, I just remove product to wo summary level pe karega variance, that's the beauty of pivots, mere ko monthly chahiye मंथली आ जाएगा वो सब, लेट्स से आई वांट मंथ वाइज मेरा वेरिएंस चाहिए, सो ये मेरा मंथली वेरिएंस है। ओके, सो जस्ट टू रिपीट, हम ये सब कर चुके हैं, ये तो शुरू का पार्ट था कि टेबल्स को लाओ, इफ उनमें कुछ सिमिलरिटी है तो आपस में अपेंड कर दो वर्टिकली, देन मास्टर से लिंक कर दो, ओके, एंड देन डेट मास्टर भी ले आओ टू गेट इनवॉइस डेट के डेरिवेटिव्स, ये सब पावर क्वेरी से हुआ, रिलेशनशिप के लिए हमने पावर पिवट में यूज किया। उसके बाद कैलकुलेशन में हमने क्या क्या किया, वी सॉ सम ऑफ द थिंग्स, अभी ये हमने की नहीं है, हमने बेसिक कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, जैसे समवन वांट्स टू नो नंबर ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है, तो आई विल गो टू माय सेल्स डेटा, यहाँ पे ये इनवॉइसेस हैं,
करेक्ट, सेल्स डेटा में इनवॉइस नंबर है, बट एक इनवॉइस दो तीन बार भी रिपीट हो सकती है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए चार लाइन हो सकती है, करेक्ट। सो इफ समवन वांट्स टू नो कि कितनी इनवॉइस जनरेट करी आपने, तो यू विल राइट अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ इनवॉइसेस कोलन इक्वल टू, आई कैन नॉट काउंट क्योंकि काउंट करेगा तो 130,000 ही दिखाएगा, सो आई नीड टू यूज अ फंक्शन नोन एज डिस्टिंक्ट काउंट। एंड किस कॉलम को डिस्टिंक्टली काउंट करना है, इनवॉइस नंबर को। सो यू कैन सी हियर ऑल दो नंबर ऑफ लाइन्स आर 130,000, लेकिन एक्चुअल यूनिक इनवॉइस मेरे पास 55,000 ही है क्योंकि उसके लाइन आइटम मल्टीपल हैं कुछ कुछ इनवॉइसेस में। मल्टीपल को अवॉइड करना, हाँ, क्योंकि चाहे वो चार प्रोडक्ट ले रहा है लेकिन इनवॉइस तो मेरी एक ही है, तो मैं एक ही बार काउंट करूंगा उसको, चार बार नहीं। टोटल इनवॉइसेस आर 55,661। अब इसी डेटा में लेट्स से आई वांट टू नो कि कितने रूट्स थे मेरे, तो सिमिलर फॉर्मूला यू कैन अप्लाई फॉर रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ रूट कॉलम और कस्टमर और प्रोडक्ट, एनीथिंग यू कैन काउंट सिमिलरली। ओके, लाइक दिस एनालिसिस आई डिड सुपरमैक्स में 5-6 साल पहले, जब आई टुक इंडिया डेटा, 4 साल का डेटा लिया, ठीक है, एंड आई काउंटेड इनवॉइस डेट्स कि बिलिंग कितने दिन होती है, तो मेरे को सिर्फ वो मंथ एंड वाले डेट्स दिखती हैं, टोटल 50 लाइन्स आ रही थी, 50 काउंट्स कि 1400 लाइन में से 50 दिन बिलिंग होती है सिर्फ, 50-60 दिन। ओके, सो एनी काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू सिमिलरली। सो ये एक सेक्शन हो गया नंबर ऑफ इनवॉइसेस और ये सब कैसे काउंट करना है। कैलकुलेटेड कॉलम ये हमने ऐड कर ही लिया एसपी का, कॉस्ट प्राइस का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप कॉस्ट ला सकते हो फिर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो। लेट्स ट्राई टू डू दैट वंस, एट रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर वहाँ पे, हाँ, बट फिर भी याद दिला दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, सो कॉस्ट प्राइस को देखते हैं क्योंकि थोड़ा मार्जिन निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में ऑलरेडी है, ठीक है, बट हमें एक्चुअल सेल्स में यहाँ पे लाना है, तो रेदर देन मैं कॉलम वगैरह ला करके सीधे ही कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ सम एक्स वाले फॉर्मूले से। सो आई वुड कॉल इट एज कॉस्ट कोलन इक्वल सम एक्स इज द फंक्शन विच आई एम गोइंग टू यूज ऑन विच टेबल, सेल्स डेटा टेबल, सो आई विल टाइप सेल्स डेटा, वॉट शुड बी माई फॉर्मूला, टेक माई क्वान्टिटी, मल्टीप्लाई इट विथ, अच्छा टेल मी कॉस्ट प्राइस बट रिलेटेड के साथ, एंड देन सेलेक्ट दैट कॉलम जहां पे प्राइस है वो, एंड एंटर, ये कह रहा है कॉस्ट ऑलरेडी नाम है मेरे पास तो चेंज इट टू लेट्स से कॉस्ट वैल्यू कॉक्स कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स माय कॉस्ट, ये थोड़ा जो डेसिमल्स डिक्रीज करते हो धीरे धीरे करना क्योंकि एक स्टेप एक बार लेता है वो, वरना बोल देगा एरर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो नॉट विद अजेज स्पीड, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। आपने क्या ठीक है, तो सेल्स हो गया, कॉक्स हो गया, अब लेट्स से मार्जिन कैलकुलेट करना है हमें, प्रॉफिट कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो भी करना है, प्रॉफिट एंड अब जो कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है उनको यूज कर सकते हैं, तो सेल्स माइनस कॉग्स, तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज भी डाल दो, सो हम प्रॉफिट परसेंटेज और लेट्स कॉल इट मार्जिन परसेंटेज, दैट शुड बी प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स,
ओके परसेंटेज में इसमें मैं एक प्रेफर चीज आपको होता है। बताता हूं कि ये डिवीजन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको डिवीजन का। यहां पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है डिवाइड के लिए। ये क्या अच्छा कहता है मेरे को, न्यूमरेटर बताओ। न्यूमरेटर इज माय प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉमा टोटल कहता प्रॉफिट। है डिनोमिनेटर हाँ बताओ, दैट्स माय अच्छा डिनोमिनेटर। सही सही बेनिफिट ऑफ फाइव दिस हंड्रेड इज अगर डिनोमिनेटर बाय चांस जीरो है तो वो एरर दे देता है नॉर्मल फंक्शंस में, राइट? ये नहीं देगा, ये ब्लैंक देगा डायरेक्टली। और यू कैन मेंशन एन अल्टरनेट रिजल्ट, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हो आप, कुछ भी डाल सकते हो, मतलब न्यूमेरिक डालना पड़ेगा। सो दैट इज द बेनिफिट, आपको इफ एरर यूज नहीं करना पड़ेगा हमेशा। टाइम्स हंड्रेड कैसे दोगे इसके यहीं पे स्टार मार के टाइम्स की जरूरत नहीं है परसेंटेज। क्योंकि वी विल फॉर्मेट इट टू परसेंटेज। अच्छा, ओके ओके हाँ, मार्जिन परसेंटेज ऑलरेडी है, सो लेट्स कॉल इट जस्ट मार्जिन। बट यू कैन डू परसेंटेज टाइम्स 100, कुछ भी कर सकते हो, बट मेरे पास परसेंटेज है इसलिए जरूरत नहीं है। हाँ ओके फाइन फाइन। सो नाउ आई विल गो बैक टू माई रिपोर्ट अगेन। दिस वॉज माई रिपोर्ट आई गेस। ठीक है, इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी, आई विल गो टू सेल्स डेटा। कॉग्स मेरे इतने थे एंड प्रॉफिट एंड देन मार्जिन। इसको मैं परसेंटेज फॉर्मेट यहां पे दे देता हूँ। जनरली इट फॉलोज दी फॉर्मेट विच वी अप्लाई देयर, बट कुछ शायद मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू हो रहा होगा इसलिए नहीं फॉलो कर रहा, वरना वो फॉलो करता है उसको। बट वहां पे जो है फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट्स हैं कि कॉमा फॉर्मेटिंग, डॉलर लगा देगा, परसेंटेज कर देगा। इफ यू वॉन्ट टू शो लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस में, तो वो यहां पे करना पड़ेगा आपको। जैसे आई वॉन्ट टू शो सेल्स, राइट क्लिक, नंबर फॉर्मेट, कस्टम, आई विल अप्लाई दिस, एक कॉमा लगा करके, एंड लेट्स से आई विल ऐड के, सो इट कैन शो द नंबर इन थाउजेंड्स ऑल्सो। मेरे जॉब प्रोफाइल में जैसे ना सेल्स के मिलियंस रिकॉर्ड्स है, परचेज के मिलियंस रिकॉर्ड्स है, सारे रिकॉर्ड्स को आई कैन यूज इन पावर क्वेरी एंड प्ले द गेम द वे आई वांट, राइट यस है ना। हाँ वेरी गुड। हाँ, एंड एक और चीज, जरूरी नहीं है कि हर चीज में रिलेशनशिप पॉसिबल हो। हो सकता है कि यू जस्ट वॉन्ट टू हैव वन सिंगल फाइल वेयर यू वॉन्ट टू क्रिएट रिपोर्ट, बट इट इज नॉट कॉमन टू एनी ऑफ दिस। तो एक राइट नया टेबल आ सकता है, वो अनरिलेटेड भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो वो अनलिमिटेड भी डेटा आ सकता है ना हाँ, आ उसमें, सकता है। पिवोट के अंदर आ सकता है ना। हाँ, एंड उसका स्टैंड अलोन पिवट बन जाएगा, जैसे नॉर्मल पिवट बनता है, सिंगल ओके टेबल ओके काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये एक बन राइट। गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी रिपोर्ट में एक और डेटा है मेरे पास रिसीवेबल्स का, राइट। हाँ, अब मैं उस रिसीवेबल्स को, उसी डेटा को यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ ना मैं, कि यस, मतलब जनवरी सेल्स के अगेंस्ट में कितने मेरे आउटस्टैंडिंग बाकी हैं, कितने में कलेक्शन हुई है और बैलेंस वो कितना डिपेंड रिसीवेबल करना बाकी पड़ेगा है। क्योंकि इस डेटा में जो है वो इनवॉइस वाइज वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं है। नहीं मेरे पास रिसीवेबल्स में इनवॉइस वाइज पेमेंट आई है मेरे पास, राइट। हाँ, बट जो मेरे पास इनवॉइस सैंपल वाइज डेटा है उसमें नहीं है, बट कर सकते हो आप। नहीं, आपके पास सैंपल डेटा नहीं है, बट आई एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ यस, यू कैन डू। कि जब इनवॉइस वाइज कलेक्शन रिसीवेबल्स आता है ना, तो हाँ, जनवरी में 8.2 मिलियन की सेल हुई मेरी, एट करेक्ट पॉइंट टू के अगेंस्ट मेरा 7 मिलियन कलेक्ट हो गया, बैलेंस करेक्ट, 1.2 आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो यू कैन मंथ डू। वाइज कितना कलेक्शन हुआ, मंथ वाइज कितना आउटस्टैंडिंग पड़ेगा सर। यस, पड़ेगा पड़ेगा। तो जो अपनी रिसीवेबल फाइल आएगी उसमें देखो तीन चार इंफॉर्मेशन होगी। कस्टमर होगा, कस्टमर को कस्टमर मास्टर से लिंक कर दो। उसमें इनवॉइस डेट या जो भी डेट है उसको अपन डेट मास्टर से लिंक कर दो। और भी कुछ है कॉमन चीज तो लिंक कर दो मास्टर से, बट आई थिंक यही दो पॉसिबिलिटी होंगी उस एरिया में। कस्टमर कोड होता है, तो नंबर देखो इनवॉइस में कस्टमर कोड होता है, कस्टमर मास्टर होता है, रिसिप्ट के अंदर भी सेम होता है, तो उसे लिंक कर दो हो जाएगा। यस, हो जाएगा। ओके, शानदार चीज है, शानदार चीज। अब मैं इसको सेव करके रिसीवेबल ले आता हूँ, जस्ट टू शो कि लेट्स से कस्टमर वाइज मेरे को सेल्स देखने। इसमें और इसमें कोई बाद में ग्राफ ग्राफ सब बताएंगे सर, ग्राफ ग्राफ्स बना देंगे, बट वो दैट इज एक्चुअली नॉर्मल पिवट के ही मेथड्स हैं, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ ओके ओके हाँ बट वो नाइस। एक्सेल में जब जाएंगे ना, एक्सेल वाला सेक्शन करेंगे अपन, जो भी फोर्थ सेक्शन या थर्ड हाँ सेक्शन है वहां पे मैं जरूर ग्राफ्स टच करना चाहता हूँ, स्पीडोमीटर, वाटरफॉल और वो सब। सही 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 और चलो ठीक है,
तो अभी आपने कितने मिनट बचे हैं इसमें? 8 मिनट बचे हैं, तो आई विल ब्रिंग रिसीवेबल्स उतने टाइम में, एटलीस्ट उसकी रिपोर्ट बनाते हैं क्विकली। अरे 5 दराम नहीं सर, बात वो नहीं है, अगर रेगुलर यूज हो तो ले भी लूंगा। थिंग इज टीम्स में अपने लास्ट टाइम यूज किया था, बट कुछ इश्यू आ रहा था ना किशोर के साथ या कहीं ना कहीं। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। एंड इसका एक और बेनिफिट है सर, जो मतलब हाइंड साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आई एम फोर्स टू सेव माई रिकॉर्डिंग्स इन बिटवीन, वरना वो क्रैश होगी तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगी मेरे साथ हाँ लंबी। नहीं नहीं हाँ होता है जैसे हम क्या करो हाँ आप नहीं नहीं ऑफिस सही है ये सब हाँ ये सही रिकॉर्डिंग जरूरी है भाई रिकॉर्डिंग के हाँ बिना हाँ तो वो बराबर है वो तो आगे ये ही रहेगा ट्रेनिंग क्योंकि ये जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं इस तरह से तो यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल ही है नहीं हाँ वो तो जनरेशन पे जनरेशन जाएगी यूट्यूब ठीक है, ओके। हाँ बेनिफिट टेनलेस से तो होगा ना यार मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ पर सीखने के बाद देखो ये सीखो जितना सिखाओगे उतना सीखोगे। हाँ ठीक है, तो मैं रिसीवेबल्स लेके आता हूँ। लेट अस यूटिलाइज दिस 7 मिनट्स क्विकली। तो डेटा में गया, क्वेरीज एंड कनेक्शन फ्रॉम फाइल्स, वर्कबुक एंड रिसीवेबल डेटा, इम्पोर्ट, दैट्स माई रिसीवेबल, गो टू ट्रांसफॉर्म, एंड दिस शुड बी टेक्स्ट, बाकी सब ठीक ही लगा है। अमाउंट इज फाइन, कॉलम 5 कुछ है, एम्प्टी है, आई विल डिलीट इट फॉर नाउ। ओके, देन लोड इट टू, डेटा मॉडल एंड ओनली कनेक्शन। सो वी विल क्रिएट वन रिपोर्ट पिवट टेबल, जिसमें कस्टमर की सेल्स दिखेंगी एंड वी वॉन्ट टू शो देयर आउटस्टैंडिंग ऑल्सो। तो पहले तो रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, रिलेशनशिप में व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव, कस्टमर कोड है, कस्टमर नेम ऑलरेडी है, तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं एक्चुअली लिंक करने की, तो कोड से कर दो तो कस्टमर कोड से कर देंगे। एंड बाकी सब ठीक है। बजट है कि ना एक कस्टमर कोड हाँ तेरे कस्टमर कोड एंड बजट है इसमें हाँ बट सेल्स से ज़्यादा रिलेटेड है ना, बजट से रिसीवेबल का ज़्यादा लिंक होता नहीं है ऐसा कुछ, बट हो तो कर सकते हो आप, मतलब आई एम सेइंग इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ होने सेल्स वाली में है। है आपने कस्टमर से किया सेल्स डेटा में भी है आपने कस्टमर डेटा से लिंक किया हाँ, कस्टमर डेटा से लिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस साइड तो रिपीट हो हाँ रहा है कस्टमर कस्टमर। का ही बैलेंस है इट्स ओके हाँ नो प्रॉब्लम नहीं, इस साइड तो कस्टमर रिपीट हो रहा है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली लिंक दिस कस्टमर टू दिस। यहाँ पे भी डुप्लीकेशन है, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन है। हाउ वी विल नो दिस इज डुप्लीकेशन मतलब ये भी रिपीटेशन है ना, कितने सारे इनवॉइसेस का रिसीवेबल्स है ये, तो कई बार रिपीट होगा सेम कस्टमर। करेक्ट यहाँ पे भी कई बार सेल हो रहा है उसको, तो रिपीटेशन कस्टमर है, एक ही होगा तो दोनों करेक्ट को लिंक डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए बीच में अपना कस्टमर कस्टमर मास्टर एक ही यूज। होगा हाँ यार हाँ मेक सेंस तो लिंकिंग के पहले आपको ये सब सोचना जरूरी भी है वो एक्चुअली आपको ये सब नॉलेज ऑलरेडी है, जब आप करने लगोगे तो अपना आप हाँ यूज हो जाएंगे करेक्ट वो। है हाँ, यस अंडरस्टूड देन यहाँ पे रिपोर्ट में इज माई पिवट, सो लेट मी कॉपी एनी पिवट, ये वाली खाली पिवट पड़ी हुई है, आई विल रिमूव दिस मंथ नेम, कस्टमर का नाम लिया एंड आई वॉन्ट टू शो इट्स सेल्स एंड आई वॉन्ट टू शो वाट इज द करंट आउटस्टैंडिंग। तो एक मेजर बना सकते हैं सम ऑफ अमाउंट, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी क्योंकि टाइम 3 मिनट ही बचा है इस। यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है ना सम ऑफ अमाउंट हाँ, देखो बट वी विल प्रिपेयर नॉट टू यूज दिस डायरेक्ट ड्रैगिंग, हम मेजर बनाएंगे एक, वहां पर डेफिनेशन लिख देंगे रिसीवेबल इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट एंड फिर उसको यूज करेंगे हमेशा। तो ये
आ गया, लेकिन अब मेरे को ईयर भी ऐड करना है, तो ईयर लेट्स से 2020 का मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ। सो 2020 की सेल्स इतनी थी और उसका अमाउंट इतना था, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो टाइम डिपेंडेंट है नहीं उतना कुछ। अगर ज़रूरत है तो लिंक हो सकता है डेट मास्टर से, बट इस केस में मैंने मेरा डेटा उस तरह का है नहीं, तो यहाँ पे मेरा सेल्स इतना हुआ बट मेरा बैलेंसिंग इतना ही है सिर्फ, पेंडिंग बैलेंस। ओके, यहाँ पे मेरा सेल्स कम हुआ लेकिन पहले का पुराना बैलेंस शायद पड़ा हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन ये फर्स्ट क्या आइटम है ये? फर्स्ट मतलब इज एक्चुअल सेल्स इन सेल्स ही दिस नहीं है, ट्वेंटी बट ट्वेंटी रिसीवेबल कैसा होगा? पुराना भी तो हो सकता है, ये 2020 का डेटा बता रहा है ना सर, अच्छा, इसका मतलब ये रिसीवेबल उससे पहले ही होगा उससे ऐसा पहले का कुछ? भी हो सकता है। आप अभी बिजनेस कम कर दिया है, पहले का होगा कुछ, मतलब आपने प्रोडक्ट देना ही बंद कर दिया उसको शायद दे नहीं रहा पैसे तो, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट है कि हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को ला करके कुछ कॉमन एलिमेंट्स को लिंक करके वो भी मर्ज कर सकते हैं, सेल्स को रिसीवेबल्स के साथ या किसी सप्लायर बैलेंस के साथ, या कुछ भी कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं, हो सकता कि मेरे को सेल्स वेल्स से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिसीवेबल की रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मेरी ये टेबल रिसीवेबल जो है जरूरी नहीं है कि इसका लिंक हो किसी से, मैं इसी से रिपोर्ट बना दूंगा एक अलग। इसके चार फील्ड्स हैं मेरे पास, उसकी पिवट बना दूंगा मैं सिर्फ। ओके हेलो, ओके, तो आई विल सेव इट नाउ, मैं नया लिंक भेज के 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नया लिंक भेज के लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ, मैं तो सो अभी मैं एक नया पिवट स्टार्ट करता हूँ ऐड फ्रॉम दिस मॉडल एंड इन ए न्यू वर्कशीट, एंड इसमें आई विल कीप माई सेल्स इंफॉर्मेशन लेट्स से फॉर ईच मंथ एंड माई सेल्स, ठीक है, मंथ ऑन मंथ सेल्स सारी डाली हुई हैं। नाउ थोड़ा टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस करते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू नो वाट इज माई मंथ टू डेट, ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि यहाँ पे रोज में मंथ है तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स को मंथ में डिवाइड कर दिया है, बट अगर ये नहीं होगा तो भी मेरे को मंथ टू डेट देखने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे अगर मंथ नहीं होता, लेट्स से आई हैव कंट्री हियर, सो मेरा कंट्री का मंथ टू डेट सेल्स क्या है? सो दिस इज नॉट माय मंथ टू डेट, ये तो 4 साल का डेटा है, 3 साल का डेटा है, करेक्ट। कंट्री का मंथ टू डेट क्या है उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। कंट्री हो सकता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब मंथ टू डेट बिना मंथ के फिल्टर के कैसे करोगे आप, वो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। सो हियर आई विल गो टू डेटा व्यू, सेल्स डेटा में मैं गया, यहां पे मैं लिखता हूं, सो दिस इज सेल्स एंड एमटीडी, दैट्स माय फील्ड नेम। ओके, नाउ देयर इज अ फंक्शन नोन एज कैलकुलेट। कैलकुलेट इज बहुत ही पावरफुल फंक्शन है पावर पिवट के अंदर। वन सेकंड, हाउ विल यू नो देयर आर हाउ मेनी फंक्शंस आर अवेलेबल? यू हैव यूज्ड ओनली फ्यू इन फ्रंट ऑफ सर, वो अस, तो एक्सेल में भी हमें पता नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट विल बी यूज्ड फॉर मोर फ्रिक्वेंटली। अच्छा, ये वही एक्सेल के फंक्शंस हैं सारे? नहीं, दिस इज मोर देन एक्सेल, यू विल नॉट सी दिस फंक्शंस इन नॉर्मल एक्सेल। बिकॉज़ ओके कैसे पता पड़ेगा कि कौन-कौन से अवेलेबल हैं? सर नेवर एंडिंग इंपोर्टेड प्रोसेस है लिस्ट वो, मेरे को भी पता नहीं है, वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, बट आई विल टेल यू जो मोर फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उनको मैं एटलीस्ट कवर कर रहा हूँ। ओके हाँ, एंड बाकी ये अपन को फाइल्स ये सारी रहेंगी आपके पास, ठीक है, तो ये सब इसमें रखे हुए हैं, और ये जो फाइल मैंने दी है ये इसमें फोल्डर 70 में, ये जो सैम्पल मेजर है सॉल्यूशंस, इनमें सारे कैलकुलेशंस के साथ मैंने फॉर्मूले रखे हुए हैं फॉर योर रेफरेंस लेटर ऑन ऑल्सो, ठीक है। बाकी चार ये 8-10 फंक्शन जो हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ विच यू विल डेफिनेटली नीड, ठीक है। सो सेल्स चाहिए मेरे को मंथ टू डेट, कैलकुलेट फंक्शन इज लाइक यू कैन सिंपली लाइक ब्रॉडली रिलेटेड टू सम इफ काउंट इफ,
ठीक है, सम करते हैं, हम एक कंडीशन देते हैं उसको कि भाई ये हो तभी सम करना उसको, ठीक है। बट सम फंक्शन और काउंटिंग फंक्शन वो सिर्फ दो ही चीजें कर पाते हैं, सम कर पाएंगे या फिर काउंट कर पाएंगे। यहाँ पे इट कैन डू मेनी मोर थिंग्स ऑल्सो, सो लेट मी शो यू कैसे। मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करो, किसको करो, सेल्स को करो। अगर कोई चीज पहले से अवेलेबल नहीं है तो यू कैन राइट ए फॉर्मूला ऑल्सो, इसकी जगह पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो कोई भी, कि ठीक है जो भी लिखोगे इस जगह वो कैलकुलेट करना है। फिर कैसे कैलकुलेट करना है, मैं कह रहा हूँ कि अब एक फिल्टर अप्लाई करो उसमें। ये कह रहा है कि फिल्टर्स बताओ मेरे को, तो आई एम सेइंग कि फिल्टर इज डेट्स एम टी डी। सो एक फंक्शन है डेट्स एम टी डी, वो क्या करता है कि वो उन्हीं वैल्यूज को फिल्टर करेगा जो उस मंथ से रिलेटेड होंगी। हाँ, मंथ टू डेट की डेट्स, ओके। एंड फिर ये कहेगा कि ठीक है डेट्स एम टी डी किस बेसिस पे करूं, विच इज द डेट कॉलम जिसकी बेसिस पे मैं डेट्स एम टी डी, क्योंकि डेट एम टी डी फंक्शन डेट कॉलम से रिलेटेड है ना। सो आई कैन राइट डेट टेबल में ये जो डेट कॉलम है इसके बेसिस पे तुम अपने आप मंथ की डेट्स को फिल्टर करो, ओके। सो सिंपल थिंग इज सेल्स को कैलकुलेट करो ओनली फॉर डेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। अगर आप मंथ मेंशन करोगे तो ये उस मंथ की डेट ले लेगा, नहीं मेंशन करोगे तो ये डेटा में जो लेटेस्ट मंथ है उसकी डेट ले लेगा, ओके। व्हेन आई राइट दिस, हाँ, आई एम सेइंग अभी मैंने लिखा कि सेल्स को कैलकुलेट करो एंड ओनली काउंट द डेट्स इन दैट पर्टिकुलर मंथ। अब हमने मंथ तो स्पेसिफाई नहीं किया, बट मंथ रिपोर्ट में हो सकता है, रो साइड में, रो सेक्शन में कोई मंथ हो सकता है ना, तो ये उस मंथ की डेट्स ले लेगा। बट वहां पे अगर मंथ है ही नहीं तो ये क्या करेगा, लेटेस्ट मंथ ले लेगा आपके डेटा में से, कि लेटेस्ट मंथ का मैं डेट टू मंथ टू डेट कैलकुलेट करूंगा। If you don't mention it, it will take latest. Okay. And when I press enter, ये अपना data ये है. Now I will show you with respect to normal sales. So ये देखिए, if I bring that MTD, टोटल ऑफ बहरीन और एनी कंट्री लेट्स से यूएई 112 मिलियन था लेकिन 3.1 आ रहा है। अब मैं इसी टेबल का एक और वर्जन बनाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कैसे काम करता है वो, ठीक है। यहां पे आई विल रिमूव कंट्री एंड आई विल कीप माय नॉर्मल सेल्स so that you can relate कौन सा मंथ पिक कर रहा है ये। आई विल पिक ठीक है 7.7 आ रहा है 7.7 क्योंकि मैंने इस टेबल में उसको कोई मंथ का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, तो वो उसने क्या किया लेटेस्ट मंथ ले लिया आपके डेटा से, ओके। बट लेट्स से हाँ इट्स टेकिंग जनवरी फरवरी को डाउन को डाउन यस इट्स एवरी मंथ राइट लास्ट मंथ इज दिसंबर 20 इट्स टेकिंग 7.7 मिलियन हाँ तो वो ले रहा है ये क्योंकि मैंने कोई मंथ मेंशन नहीं किया है। बट अगर मैं इस रिपोर्ट में मंथ डाल देता हूँ लेट्स से इसको मैं स्लाइसर लगा देता हूँ मंथ का ठीक है तो ये उस पर्टिकुलर मंथ के लिए एडजस्ट कर देगा फॉर्मूले को लेट्स से अगस्त 20 का चाहिए तो एमटीडी अगस्त 20 का आ जाएंगे ठीक है तो मेरा फिल्टर ना हो तो भी ये काम करता है एमटीडी दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस आपकी टेबल में कोई फिल्टर नहीं लगाया मंथ का टाइम का तो भी वो अपने आप लेटेस्ट मंथ दिखाएगा अपने डेटा से ओके लेटेस्ट मंथ की वैल्यू दिखाएगा अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो आपको पूरा दिख रहा है ना 4 साल का डेटा दिख रहा है ठीक है ओके ओके आई यू गॉट इट यस यस हाँ
क्योंकि हर अपने पास डायरेक्शन दो ही होती है, एक रो होता है और एक कॉलम्स होता है. हर जगह अपन हो सकता है एक कंट्री यूज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाकी मंथ में कहाँ यूज करूं. सो इसलिए ये ऑटोमेटिकली यूज कर सकता है उसको. ओके, सो ये तो मंथ का हो गया. नाउ मैं आपको एक ईयर टू डेट का फॉर्मूला बताता हूं. ठीक है, यहां पे देखते हैं इसको. आई विल गो टू माय डेटा मॉडल, सेल्स एंड YTD. एंड YTD इज नथिंग बट कंजुकेटिव, लाइक क्यूमुलेटिव ऐड करते जाओ हर मंथ का, वही YTD है. ठीक है, सो कैलकुलेट. कैलकुलेट किस बेसिस पे करना है, ये हमारा ओरिजिनल कॉलम है. ठीक है, एंड अगेन आई एम रीअसर्टिंग कि ये कॉलम नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, तो भी आप खुद डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो इस जगह पे, इस सेक्शन में. एंड देन फिल्टर करो. फिल्टर किस लिए करो, डेट्स इन माई सॉरी डेट्स MTD था पिछली बार, अभी YTD है. ओके, डेट्स YTD इज द फंक्शन, कि YTD की डेट्स फिल्टर करो सिर्फ बेस्ड ऑन व्हाट, डेट कॉलम. ओके, कि कैलकुलेट माय सेल्स फॉर ईयर टिल डेट ऑफ डेट कॉलम. अगेन अगर आपने ईयर नहीं बताया इसको तो ये लेटेस्ट ईयर ले लेगा अपने आप, और बता दिया तो ये उस हिसाब से काम करेगा. नाउ ये YTD अभी तो लग रहा है कि पूरे साल का टोटल ले लिया, लेकिन लेट अस यूज इट इन द रिपोर्ट, देन आपको समझ में आएगा. मंथ ऑन मंथ हमारे पास सेल्स डेटा है, ये MTD है. मैं YTD अगर इसमें ऐड करता हूँ, सो लुक 2.7 फर्स्ट मंथ में सेम रहेगा, सेकेंड मंथ में ये दोनों ऐड करके दे रहा है वो, थर्ड मंथ में ये तीनों ऐड करके दे रहा है. एंड जैसे ही वो ईयर खत्म हुआ फिर स्टार्ट करेगा वो. ओके, अगेन रीस्टार्टिंग. और अगर आप नहीं बता रहे हो मंथ किसी टेबल में तो वो खुद से बोल देगा कि, जैसे यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट वापस से बनाता हूँ, वही वाले कंट्री वाला बनाता हूँ, कि मेरा मंथ है ही नहीं यहाँ पे, आई हैव माई कंट्री वाइज सेल्स, कंट्री इज इन मैनेजर्स. सो कंट्री वाइज मेरा मंथ का डेटा यह है, बट मेरा ईयर टिल डेट दिस डेटा है. अब मैंने इसको कुछ मंथ कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है, लेट से मेरे को पिछले साल का देखना है, कि ये तो दिसंबर का डेटा दिखा रहा है, लास्ट मंथ का दिखा रहा है ना. सो आई एम क्रिएटिंग ए स्लाइसर हियर. मैं कहता हूं कि मेरे को तो अक्टूबर के हिसाब से दिखा ये चीजें. सो व्हेन आई क्लिक ऑन अक्टूबर, अक्टूबर तक, अक्टूबर का डेटा मेरा ये था, लेकिन अक्टूबर तक का डेटा मेरा ये है. इफ यू वेरीफाई इट हियर, अक्टूबर 20 इज 10.9, बट अक्टूबर तक 102. ओके, सो आई डोंट नीड दिस मंथली टेबल टू गो थ्रू दिस कैलकुलेशन. दिस फॉर्मूलाज विल वर्क विदाउट मंथ ऑन मंथ टेबल्स ऑल्सो. ओके, दिस वॉज स्टिल सिंपल. आप ये फिल्टरिंग और स्लाइसेस के थ्रू भी निकाल सकते हो, करेक्ट, कि मेरे को, मैं सिर्फ ईयर सेलेक्ट करूंगा, अप टू अक्टूबर सेलेक्ट करूंगा, तो भी निकल जाएगा ये डेटा. अभी मैं आपको बताता हूं पिछले साल का मंथ टू डेट. सो लेट्स से इफ आई एम लुकिंग फॉर अक्टूबर 20, आई नीड हियर अक्टूबर 19 का डेटा, पिछले साल क्या किया था इस मंथ में. ठीक है, सो द फंक्शन हियर इज, आई विल राइट द नेम सेल्स MTD एंड आई विल एड Y लास्ट ईयर. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट. कैलकुलेट अब मैं क्या कर रहा हूँ, MTD कैलकुलेट करना है ना मुझे, तो मैं कहता हूँ तुम मेरे ये जो मंथ MTD किया था उसको यूज करो, क्योंकि उसमें हमने पहले से लॉजिक लगा रखा है कि भैया ये मंथ की डेट फिल्टर कर, कैलकुलेट कर, वो सब. तो मैंने कहा उसी को यूज कर, लेकिन मुझे वो साल नहीं चाहिए, मेरे को उसके पिछला साल चाहिए. सो देयर इज अ फंक्शन नोन एज शो मी द सेम वैल्यूज
इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, दैट इज द फंक्शन डायरेक्टली. तो वो जो भी डेट एमकेडी में कैलकुलेट हो रही है उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग पिछले साल की डेट फिल्टर कर लेता है खुद से. हाँ, कि जो भी एमटीडी में लगा था वो सारा पीरियड पिछले साल के लिए कैलकुलेट करो एंड बेस्ड ऑन अ डेट. ये डेट कॉलम हमेशा होगी इस तरह के फॉर्मूलाज में. सो एमटीडी लास्ट ईयर ये रहा एंड लेट अस वेरीफाई इट कि ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा. उस टेबल में चेक करते हैं. सो सेल्स डेटा एमटीडी लास्ट ईयर जनवरी 18 6.1 है एक्चुअल, पिछले साल 2.7 क्या था. ये देखो वहां से कॉपी कर रहा है. इनके लिए पिछले साल का डेटा है नहीं तो दैट आर ब्लैंक. ये देखो अक्टूबर 20 में अक्टूबर 19 7.9 है, यहाँ पे 7.9 है. ठीक है, सो खुद से कर लेता है वो सारी कैलकुलेशन. आपको मंथ का कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए. अगर ये मंथ नहीं भी होगा तो भी वो काम कर रहा है कि लेटेस्ट मंथ विच मीन्स दिसंबर इज दिस, लास्ट वाईटीडी दिसंबर इज दिस, लास्ट ईयर दिसंबर में इतना हुआ था. ओके, सो दैट इज हाउ वी विल यूज दिस फंक्शंस. वाईटीडी भी पिछले साल का कैलकुलेट करके देखते एंड देन वी विल सी समथिंग एल्स. सो सेल्स वाईटीडी कैलकुलेट, कैलकुलेट किसको करेंगे, मैं कह रहा हूं वाईटीडी को कैलकुलेट करो आप, बट वाईटीडी को करो जो भी किया है उसको पिछले पिछले साल वाले कॉन्टेक्स्ट में. सर बहुत सारे हैं आप देखे होंगे. फाइल्स, डेटा फाइल्स नहीं होंगी शायद रिकॉर्डिंग के, मतलब वो मतलब प्लानिंग से नहीं होते हैं. मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो कभी कभी रैंडम फाइल उठा करके उस तरह से करता हूँ. कुछ कुछ में मैंने लिंक्स ऑलरेडी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जो भी वीडियो है उसमें दे रखा है. सो इफ इट इज अवेलेबल लिंक वहाँ पे है, अगर नहीं अवेलेबल तो नहीं दी होगी मैंने. बट वहाँ पे मैं अभी इस सेक्शन में नहीं घुसा हूँ क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड चैनल आई रियलाइज कि ये लेवल थोड़ा नेक्स्ट है, लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता, वॉल्यूम नहीं है उतना. सो देन आई स्टार्टेड माय नॉर्मल एक्सेल वीडियोस, उससे उसके ज़्यादा कर रहा हूँ मैं. पर ये भी हैं, बीच बीच में आते रहते हैं ये भी. सो इफ यू सी हियर अगेन इन एक्सेल पिवट टेबल, यहाँ पे वाईटीडी लाता हूँ तो मेरा अक्टूबर 18 का YTD 56 है. पिछले साल सेम अक्टूबर तक 22 था. यू कैन सी हियर ये नंबर पिक कर रहा है वो. सो नाउ ये तो हमने मंथ ऑन मंथ टेबल इसलिए रखा है समझने के लिए कि ये कैलकुलेट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेफर सर सही कर रहा है कि नहीं कर रहा. बट हमारे टेबल में नॉर्मल ऐसा ही होगा. कंट्रोल सी. मेरा एक ब्लैंक पिवट है मान लो, लेट मी डिलीट दिस नाउ. ये मेरे पास नहीं है, इसमें से मेरा मस्त मंथ नहीं है, ये सब चीजें हैं. एंड आई कैन क्रिएट मे बी बेस्ड ऑन लेट से प्रोडक्ट वाइज करते हैं कि मेरे को कैटेगरी वाइज देखना है लास्ट ईयर कितना सेल था, दिस ईयर कितना सेल था एम टी डी एज वेल एज वाई टी डी. ठीक है, बट ये दिसंबर 18 दिसंबर 20 दिखा रहा है. सो आई विल हैव वन स्लाइसर. नाउ आई कैन शो दिस इंफॉर्मेशन कि मेरे को अगर जुलाई 20 में मैं ये डेटा देख रहा होता, सो जुलाई 20 का मंथली डेटा ये था एंड वाई टी डी तब तक 69 मिलियन था. लास्ट ईयर जुलाई में विच मीन्स जुलाई 2019 इस 8.0 मिलियन एंड उस साल का वाईटीडी ये था. दिस इज एक्चुअली आई फॉरगॉट टू रीनेम, ये एलवाई है, लास्ट ईयर है ये. ओके, सो हमें मंथ का कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, हम स्लाइसर में यूज कर सकते हैं उन चीजों को.
एंड अगेन एक बार ये वैल्यूज अपने पास आ गई तो फिर आप दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो तो आपको ग्रोथ दिख जाएगा, ठीक है। वाई टी डी ग्रोथ चाहिए तो इनको आपस में डिवाइड कर दो। सो वो तो अपन ने पहले भी किया हुआ है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो तो इजीली कर सकते हैं। गॉट इट? सो हियर इफ वी गो बैक टू आवर कैलकुलेशंस विच वी वांटेड टू कवर, ये हमने कर लिया, डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज हो रहा है इसमें, डिस्टिंक्ट काउंट ये हमने किया, न्यू कॉलम कराने के लिए रिलेटेड फंक्शन यूज किया था, फिर ये तो सिंपल सम वगैरह थे, यहाँ पे डिवाइड भी यूज किया था हमने इन वन ऑफ द प्लेसेस, और अदरवाइज नॉर्मल स्लैश विल ऑल्सो वर्क। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया या एडिशन किया, कुछ ना कुछ किया। कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से हमने बजट टेबल में या वहां पे लाए थे ना, एक्चुअल टेबल में। फिर ये सब तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह थे, सम एक्स हमने यूज किया था करेक्ट सेल्स के लिए। ये मॉडल आपके पास रहेगा सो, पर मैं फिर भी लिख रहा हूँ। एमटीडी के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया था, एक तो कैलकुलेट लगा था, कैलकुलेट इज ए जेनरिक फंक्शन विच कैन कैलकुलेट मेनी थिंग्स, बट साथ में हमने यूज किया डेट्स एमटीडी फिल्टरिंग के लिए। कैलकुलेट अगेन इसमें भी था बट यहाँ पे डेट्स वाईटीडी था। लास्ट ईयर के लिए कैलकुलेट लगा था बट हमने बोला था सेम पीरियड लास्ट ईयर, कि ये जैसे भी कैलकुलेट किए ये चीजें उनको अप्लाई करो सेम पीरियड लास्ट ईयर के लिए, एंड यहाँ पे भी सेम चीज था। एक और मैं ऐड करता हूँ, एक डेट ऐड फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। अगेन शीट फोर इसमें जाता हूँ एंड मंथली इंफॉर्मेशन करता हूँ। सो एमटीडी और वाईटीडी तो हमेशा 12 महीने पीछे लेके चले जाते हैं आपको, करेक्ट। लेकिन हो सकता है कि आपके एनालिसिस में आपको 12 नहीं, मुझे तो 3 महीने पीछे जाना है या 6 महीने पीछे जाना है या 7 महीने पीछे जाना है, ओके, या फिर 3 साल पहले कंपेयर करो मेरे डेटा को। तो यहां पे सेल्स, सो एक लेट से 6 महीने पहले का सेल्स मुझे देखना है, सो सेल्स 6 मंथ अगो, लेट्स द नेम आई वांट टू कीप, ठीक है। कैलकुलेट यूज करूंगा मैं इसी को, ठीक है, सेल्स स्लो और एमटीडी को लेता हूं क्योंकि मंथली इंफॉर्मेशन है ना, एमटीडी को कैलकुलेट करो। यहां पे फंक्शन नेम इज डेट एड, ये कहता है किस कॉलम के बेस पे, तो कॉलम इज डेट, ठीक है। फिर ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरवेल्स यू वांट टू गो बैक, आई वुड से 6 मंथ 6। फिर ये कहता है कि इंटरवेल क्या है, ठीक है, सो इंटरवेल इज मंथ, ओके। इंटरवेल यहां पे आप लिख सकते हो मंथ के बेसिस पे पीछे जाना है या ईयर के बेसिस पे पीछे जाना है, तो दैट यू कैन मेंशन। सो मेरे को सेल्स एमटीडी चाहिए लेकिन 6 महीने पहले चाहिए, और महीने के लिए हमने यहां पे लिख दिया कि महीने पहले चाहिए कि साल पहले चाहिए, जो भी है क्वार्टर पहले चाहिए। फिर मैंने प्रेस एंटर, पिवट में देखते हैं वेरीफाई करके। सिक्स मंथ्स अगो, सो लेट्स से यहां पे देख रहे हैं हम, तो 1.7 है, ये क्या दिखा रहा है, सॉरी अच्छा आई फॉरगॉट, उल्टा दिखा रहा है, मैंने -6 डालना था, पीछे जाना है ना, ओके, इसमें आगे भी जा सकते हैं पीछे भी, हाँ पीछे आगे पीछे दोनों साइड जा सकते हैं, तो -6 वो आगे का दिखा रहा था अभी, तो अभी देखिए शुरू के 6 मंथ्स का आई नहीं रहा क्योंकि पीछे डेटा ही नहीं है। अगर मैं जुलाई में देखता हूं
तो वो पहला मंथ दिखाता है जनवरी इसके अगेंस्ट. ओके सो जो डेट्स एनटीटी डेट्स वाईटीटी थे वो तो सिंपली 12 साल पीछे 12 महीने पीछे लेके जाते हैं बाय डिफॉल्ट क्योंकि दैट इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन दैम. बट डेट एड के थ्रू आई कैन कस्टमाइज इट टू एनी नंबर ऑफ मंथ्स एनी नंबर ऑफ ईयर्स. ओके सो थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा अगर आपका एनालिसिस की रिक्वायरमेंट वैसी है. एंड बाकी अब ये स्टैंड अलोन अलग अलग फील्ड्स हैं तो इनको आप आपस में वेरिएंस लो डिवाइड करो ग्रोथ निकालो कुछ भी कर सकते हो दैट्स अप टू यू. एनी क्वेश्चंस अजय किशोर अभी तक? हाँ तो सो फार सो गुड. द ओनली थिंग इज ये जो आपने जो एडिशनल फार्मूला बना के जो नए क्रिएट किए ना दैट वो सारी चीजें करेंगे तो कोई बना पाएंगे? हाँ सो देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ. हाँ यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है कि हो सकता है कि आप इमिडिएटली आप इन फॉर्मुलेज में कंफर्टेबल नहीं रहो. ठीक है क्योंकि मैं ये लेट से ये मेरे पास नहीं है मान लो ये फॉर्मुलेज मेरे पास सिंपली एक टेबल है कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड आई एम हैविंग सिंपली कंट्री. ओके एंड यहाँ पे मेरी ये सारी वैल्यूज नहीं है कुछ भी नहीं है सिंपल सेल्स है मेरे पास नॉर्मल जो सबसे पहले थी. ओके अब मुझे मंथ टू डेट देखना है तो मैं स्लाइसेस के थ्रू भी वो सारे काम कर सकता हूँ. अगर मैं फॉर्मूला से कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरे को मंथ देखना है एंड आई वांट टू सी दिसंबर लेट्स से अक्टूबर 20 तो अक्टूबर 20 का डेटा मिल जाएगा. मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा ये वाला बट मेरे को फिल्टरिंग से मिल गया वो. ठीक है लेट से मेरे को YTD देखना है. ओके YTD देखना है फॉर 2020 टिल अक्टूबर. सो मेरा ईयर का स्लाइसर है एक एक मंथ का स्लाइसर है. ठीक है तो स्लाइसर के थ्रू भी कर सकते हैं विदाउट इवन वर्किंग ऑन फॉर्मूलास. हाँ बट वो एक बाद में एक मतलब कुछ टाइम बाद रिपोर्ट्स में एक डेडेंड आ जाएगा कि यार वो चीजें नहीं हो पा रही हैं बेसिक चीजें स्लाइसर के थ्रू हो जाएंगी. बट हर बार बंदा स्लाइसर करने के लिए रेडी रहेगा क्या? ठीक है वो इशू है. तो इनिशियली स्लाइसर्स के थ्रू ही करते हैं बट दिस इज द नेक्स्ट लेवल आफ्टर दैट. सो मेरे को अक्टूबर तक चाहिए 2020 में तो जैन से लेके अक्टूबर तक मैं सेलेक्ट कर लूंगा डेटा. तो ये मेरा YTD हो गया 102 इन 2020. यहाँ पे देखिए 102 अक्टूबर 2020. सो फॉर्मूला के थ्रू निकाला मैंने फिल्टरिंग के थ्रू निकाला. ठीक है सो इनिशियली आप स्लाइसर यूज करो बट ट्राई टू गो टू द नेक्स्ट लेवल कि ये फॉर्मूलेज भी यूज कर पाए क्योंकि इनका मतलब तो है कुछ. हर जगह स्लाइसर जरूरी नहीं हो आपके पास. ओके सो लास्ट ईयर वेरियंस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो लास्ट ईयर वेरियंस आ जाएगा. परसेंटेज चेंज डिवाइड कर दो फिर वेरिएंस को वो भी आ जाएगा एंड देन ब्रिंग देम. नाउ आई विल शो यू अ बेसिक रिपोर्ट जिसमें टू थ्री एलिमेंट्स रहेंगे. ठीक है वो कैसे बनाएंगे क्योंकि अपने बिट्स एंड पीसेस में सारे कॉन्सेप्ट कवर किए ना. एक मान लो रिपोर्ट बनानी है मेरे को मेरे पास कुछ भी नहीं है ये सारी चीजें मैं मान लो डिलीट कर देता हूँ. ओके आई हैव द मॉडल पावर पिवट के अंदर और लेट्स डिसाइड ऑन टू थ्री थिंग्स कि क्या चाहिए मेरे को. सो आई नीड लेट्स से मंथली सेल्स ट्रेंड चाहिए. ठीक है एक मेरे को चाहिए मंथली सेल्स YTD एंड वर्सेस लास्ट ईयर. ठीक है एक मेरे को चाहिए कंट्री वाइज सेल्स. एक मेरे को चाहिए लेट्स से प्रोडक्ट वाइज सेल्स. यस एक मेरे को प्रोडक्ट वाइज कुछ सेल्स नंबर्स चाहिए होंगे. ओके ये चार चीजें चाहिए. मेरा मॉडल ये है यहां पे गया पिवट स्टार्ट किया एक नई शीट में कर दिया लेट्स से ये मेरी पिवट आ गई. Always name the pivot.
क्योंकि व्हेन वी विल क्रिएट मल्टीपल पिवट्स और नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब ब्लैंक होता है पिवट तो उसका नाम दिखता है यहाँ पे. ठीक है, यू कैन गो टू एनालाइज एंड रीनेम इट. सो फर्स्ट लेट अस ब्रिंग द डेटा कि क्या रख रहे हैं इसके अंदर, फिर नाम देखेंगे. सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू शो मंथली सेल्स. सो ईयरली मेरा मंथ और मंथ सेल्स कितना है. ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे डेट्स, ईयर आ गया एंड मंथ आ गया, एंड देन आई वॉन्ट माई सेल्स. ठीक है, ये एक रिपोर्ट हो गया. सो आई वुड नेम इट एज सिंपली सेल्स ट्रेंड. ठीक है, ये पहला टेबल हो गया. दूसरा टेबल हमें बनाना है कि YTD का कंपैरिजन चाहिए. सो कंट्रोल ए, आई विल कॉपी दिस पिवट. बार बार वहां से क्यों स्टार्ट करूं, यहीं पर रख देता हूं. एंड आई विल गो टू एनालाइज, आई विल नेम इट एज YTD अंडरस्कोर कंपैरिजन. आपने कॉपी पेस्ट कर लिया इसको? हाँ. एंड आई विल चेंज द एलिमेंट्स हियर. ठीक है, सो अभी मेरे पास YTD ये ईयर है, मंथ है, एंड आई विल गो फॉर नॉट सेल्स, आई वॉन्ट टू हैव माई दिस सेल्स YTD, करंट ईयर YTD, और ये लास्ट ईयर का था. दिस वॉज लास्ट ईयर, वो नेम गलत है. आई कैन चेंज इट टू लास्ट ईयर YTD. Okay. नहीं तो why this is not linked with the previous column number B and C? Why it is linked with F, G and H? मेरे को दूसरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना. यहाँ पे मंथली सेल्स था, यहाँ पे मेरे को YTD डालना है. सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पिवट टेबल, उसमें नहीं चाहिए मेरे को, अलग रखना है वो. Okay. ये मेरे को चाहिए ट्रेंड के लिए, कंटिन्यूअस डेटा है. यहाँ पे मेरे को कंपैरिजन करना है. सो रिक्वायरमेंट अलग है, मैंने टेबल अलग बना लिया उसके लिए. ओके, सो ये YTD इन्फॉर्मेशन हो गया. अब एक हमने रखा था कि कंट्री वाइज सेल्स चाहिए मुझे, और कंट्री वाइज में आई नीड MTD सेल्स, YTD सेल्स एंड लास्ट ईयर YTD एंड लास्ट ईयर MTD. वो सारे नंबर्स चाहिए मुझे. ठीक है, सो आई विल क्रिएट वन मोर कॉपी ऑफ इट, आई विल पेस्ट इट हियर. आई विल रिमूव दिस ईयर एंड मंथ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे. And here, I will take just MTD and YTD. ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे. And I want to have these splitted by countries. And further split of same चीज मुझे चाहिए थी एक और. सो आई एम क्रिएटिंग इट बाई प्रोडक्ट्स एंड सब कैटेगरी एड कर देता हूँ. सो चार तरह की रिपोर्ट्स हो गई, कंट्री वाइज MTD YTD. ठीक है, प्रोडक्ट वाइज MTD YTD, इसका नाम वी विल नेम इट एज कंट्री, इसका नाम प्रोडक्ट. ओके, अब मेरे को चाहिए एक स्लाइसर. ठीक है, स्लाइसर में होना चाहिए कि लेट्स से इस वाले टेबल से स्लाइसर ऐड किया, एक कंट्री का स्लाइसर बना देते हैं और एक रीजनल मैनेजर का स्लाइसर बनाते हैं, नॉट कंट्री, क्योंकि वो रिपोर्ट्स में कहीं पे भी नहीं यूज किया ना इसलिए. ठीक है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एनी एलिमेंट ऑफ दिस स्लाइसर, व्हाट हैपेंस, let's say Arun, so only this changes, nothing happens to other three tables. Okay, so data filter ho raha hai, lekin wo first wale ko hi filter kar pa raha hai. Why? Kyunki wo first wale se start kiya tha slicer. So
बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू बी कंट्रोल्ड, कि मेरे को अयूब का, मेरे को ये YTD MTD भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए कंट्री वाइज, अयूब की कंट्रीज, अयूब के प्रोडक्ट्स. सो आई कैन गो टू ऑप्शंस हियर स्लाइसर में, एंड देन यहाँ पे एक चीज होता है रिपोर्ट कनेक्शंस, एंड दिस विल शो ऑल द पिवट्स विच वी क्रिएटेड, जो लिंक हो सकते हैं यहाँ पे. सो आई विल कनेक्ट दीज थिंग्स. मैं कंट्री और ये सब लिंक कर दिया है. एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन लेट्स से अरुण, तो सारी जगह वो इम्पैक्ट आता है कि अरुण के ये प्रोडक्ट्स हैं, अरुण रिलेट्स टू सऊदी अरेबिया, एंड दीज आर YTD लास्ट ईयर करेंट ईयर, एंड दिस इज मंथ ऑन मंथ सेल्स फॉर अरुण. ओके, कैन यू गो बैक एंड मेक दिस कनेक्शन. कनेक्शन, सो स्लाइसर को सेलेक्ट किया, ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस में रिपोर्ट कनेक्शंस की किन किन रिपोर्ट्स को दिस स्लाइसर शुड कंट्रोल, एंड इट विल शो ऑल द नेम्स जिसको पिवट के जो नाम रखे थे वो नेम्स हैं. पिवट के नाम रखे थे, हमने अभी नाम रखे थे ना इतने सारे. व्हेन आई वेंट हियर, एनालाइज सेल्स ट्रेंड रखा था यहाँ पे नाम, इसका नाम मैंने रखा था YTD कंपैरिजन, इसका नाम मैंने रखा था कंट्री वाइज. कांट वी सी दैट नेम्स, वेयर आर दोस नेम्स? हियर हियर लेफ्ट कॉर्नर, कैन यू लिस्ट डाउन? यहाँ पे देखो ना, हर पिवट का अलग नाम है. तो पिवट के ऊपर आना चाहिए, लिखा हुआ नहीं आ रहा है. पिवट के ऊपर नहीं आता. व्हेन यू गो टू एनालाइज ऑन द लेफ्ट साइड यू सी दिस नेम, आर यू फॉलोइंग माय माउस? यस यस, आई कैन सी देयर ऑन द माउस. हां, इट इज मेंशन, बट इट इज, आई एम सेइंग इट्स इजी टू व्यू व्हेन द जब व्हेन द दिस नेम इज देयर. सो रो लेवल लिखा हुआ है इसके ऊपर या नहीं? नहीं नहीं वहां पे नहीं आता है. पिवट का नाम जब खाली होती है पिवट तब आता है, या फिर एनालाइज में जाके देख सकते हैं. लेट्स से दिस पिवट लेट्स से इज नॉट हैविंग एनीथिंग, आई डिलीट एवरीथिंग, सो देन यू कैन सी नेम इज प्रोडक्ट. ठीक है, सो इट डजंट मैटर मच, क्योंकि एक बार नाम वो कनेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है, ऑन रेगुलर बेसिस उतना नहीं यूज होता वो नाम. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफॉल्ट नेम्स को चेंज करो, वरना आप भूल जाओगे कि पिवट वन में क्या है, पिवट टू में क्या है. बस यही, करेक्ट करेक्ट, टू मेक श्योर दिस दैट वी हैव ट्रैक ऑफ दोस थिंग्स, चेंज दिस नेम एंड वी हैव. सो नॉर्मल पिवट में, क्योंकि अपन ने अभी तक एक एक पिवट ही बनाते हैं, क्योंकि तो उतना ध्यान नहीं रहता. बिकॉज़ यू आर डूइंग इट, बट व्हेन वी डू इट वी नीड टू मेक श्योर कि इस पिवट का नाम क्या है, दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू थिंक इट. हां, तो नाम अगर आपको पहचानना है नाम, सो क्लिक ऑन द पिवट, गो टू एनालाइज, दिस इज द नेम ऑफ द करंट पिवट. ओके, या यू नो व्हाट बेटर इज की जब ऐसे लिंक के ऊपर एक लिंक, क्या नाम ऊपर इज दिस के, यू नो व्हाट वी आर लिंकिंग इट. ठीक है, आप यू कैन राइट इट एडिशनली, बट पहचानना है तो ऐसे करना. एंड टू लिंक द पिवट, यहां पे ऑप्शंस में गए, रिपोर्ट कनेक्शंस, ऐड कर सकते हैं. सो वन सेकंड, वी हैव 1 2 3 4 पिवट्स एंड दीस आर 4 पिवट लिस्टेड. हां, एंड ये लिस्ट में दूसरी शीट्स में से भी पिवट आ सकती है अगर वो रिलेटेबल है तो. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये शीट भी दिखा रहा है करेंटली, सो और भी हो सकती है इस लिस्ट में. ओके ओके, सो दैट मींस दिस डेटा इज, दिस इज लिंक्ड टू आवर मास्टर डेटा? नो, दिस स्लाइसर विल ट्राई टू लिंक टू ऑल द पिवट्स व्हिच आर देयर इन दिस फाइल. वो इस शीट में है या अगली शीट में है? हाँ हाँ, इन द होल फाइल. हाँ, लेट्स से आई जस्ट कॉपी दिस डेटा इन दिस शीट, तो एक डुप्लीकेट पिवट हो गई. इसका नाम क्या आ गया? कुछ रैंडम नेम आया होगा, पिवट टेबल 12 आया. सो व्हेन आई गो टू लिंक माय स्लाइसर नाउ, तो इसमें वो भी दिखेगी, नई वाली पिवट टेबल 12 भी दिखेगा. ओके, बट यू कैन से कि मेरे को उससे मतलब नहीं, आई डोंट वांट टू कनेक्ट इट टू दैट वन, सो यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो, यू कैन नॉट, यू कैन अनचेक. ओके, सो इन पिवट्स के अंदर व्हाट यू वांट टू डू वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, बट उसमें एक दो स्लाइसर होंगे और सबको आपस में लिंक किया जा सकता है अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये स्लाइसर उन्हीं पिवट्स की लिस्ट दिखाएगा जो कनेक्ट हो सकती हैं, विच मींस ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम सेम डेटा मॉडल. ओके, अगर किसी दूसरे डेटा मॉडल से कहीं से कॉपी करके कुछ आ रहा है तो ये उसको लिस्ट में नहीं दिखाएगा. एंड सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड ऑन ए सिंगल पिवट. नॉर्मल पिवट, पावर पिवट को भूल जाओ, इस कनेक्शन वाला प्रोसेस नॉर्मल पिवट में भी चलता है, एग्जैक्टली सेम वे.